हेलो बच्चों वेरी गुड इवनिंग कैसे, 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 कैसे हैं आप सब बेटा मुझे उम्मीद है कि आप सारे बच्चे अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और मीटअप अब पोस्टपोन नहीं होगा तो ये भी अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा है है ना चार पांच दिन जो भी बचे हुए हैं छोड़ दीजिए इसको जमाल लहमा थैंक यू बेटा थैंक यू इतना प्यार देने के लिए इस प्यार की वजह से तो हम लोग इतना एफर्ट कर पाते हैं आप बच्चों के लिए है ना वेरी गुड इवनिंग बच्चों वेरी गुड इवनिंग रविंद्र सौरभ स्वेता आशिफ गणेश अनामिका विश्वजीत वेरी गुड इवनिंग बच्चों वेरी गुड इवनिंग एक बार जल्दी से शेयर करो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करो फिर स्टार्ट किया जाए आज का कार्यक्रम आज का कार्यक्रम क्या है हमारा पहले तो प्लांट फिजियोलॉजी के तीन चैप्टर कवर करने फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट रेस्परेशन इन प्लांट प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नीट के पेपर की टाइमिंग बेटा दो से पांच होगी संडे को ठीक है श्वेता थैंक यू बेटा थैंक यू सो मच आज आ, आपका एक टेस्ट हुआ था आरटीएस नंबर फाइव टेस्ट हुआ था और एक फाइनल दस तारीख को एक टेस्ट आपका होने वाला है ठीक है तो कौन कौन से बच्चे जिन्होंने टेस्ट दिया था आज ओके जमाल मोस्ट वेलकम बेटा ठीक है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम हो रहा है नौ बजकर पांच मिनट ठीक है प्लांट फिजियोलॉजी में अभी तक हम तीन दो चैप्टर कर चुके हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट एंड मिनरल न्यूट्रिशन अब हम करने जा रहे हैं यहाँ पर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट मिस्टर फालकन हा बेटा 11 सितंबर को पूरे 38 चैप्टर का फुल एंड फाइनल रिवीजन भी होगा लेकिन उसके लिए ये पढ़ना जरूरी है बेटा है ना अभी पढ़ना जरूरी है उसके लिए तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फोटोसेंथिस इन हायर प्लांट करीब दो सवाल आते हैं नीट में आपके ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड सारे जो एनिमल हैं वो प्लांट के ऊपर अपने खाने के लिए डिपेंड करते हैं ठीक है अब जो प्लांट होते हैं बेटा ग्रीन प्लांट की अगर बात की जाए तो ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और इसलिए इन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है ठीक है ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है अब अगर हम बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है फिजिको केमिकल प्रोसेस है जहाँ पर लाइट एनर्जी का यूज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ग्लूकोज के बारे में बात कर रहे हैं ओके तो अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म ऑन अर्थ डिपेंड ऑन सनलाइट फॉर एनर्जी क्योंकि सनलाइट से एनर्जी प्लांट में आई और प्लांट को हमने खाए तो एनर्जी हमारे अंदर आ गई तो अल्टीमेटली हम भी सनलाइट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं बस प्लांट डायरेक्टली डिपेंड करते हैं और एनिमल जो होते हैं वो इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं झोला छाप डॉक्टर अच्छा आपका नाम लेना भी जरूरी है विकास करें सर इस चैप्टर को थोड़ा डिटेल में पढ़ाइए बेटा मोबाइल का वॉल्यूम तेज कर लो ना थोड़ा सा अपने मोबाइल का वॉल्यूम भी थोड़ा सा तेज कर लो हाँ रविंद मुझे पता है बेटा एक दूसरी क्लास चल रही है लेकिन बच्चे बाद में इसको देख लेंगे है ना क्योंकि करीब चार पांच चैप्टर हमें कंप्लीट भी करने हैं ठीक है वॉइस क्लियर है ना बेटा देख लो सारे बच्चे एक बार बताओ वॉइस क्लियर है क्या अपने मोबाइल का वॉल्यूम भी थोड़ा पढ़ा लिया करो यस हम्म ठीक है वॉइस क्लियर है तो फोटोसेंथिसिस इज इम्पोर्टेंट ड्यू टू टू रीजन दो वजहों से फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है एक तो फोटोसिंथेसिस इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ऑन अर्थ साथ ही साथ इससे ऑक्सीजन रिलीज होती है एटमोसफियर में और ऑक्सीजन आप जानते हैं बेटा कि जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड करते हैं तो चलिए पहले यहाँ पर हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी क्लोरोफिल जरूरी है लाइट की रिक्वायरमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है इसके अलावा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है ना ये फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होते हैं लेकिन वाटर हमेशा जरूरी नहीं होता है उसकी जगह पर एच टू एस भी हो सकता है ठीक है अब एक एक्सपेरिमेंट हमारे पास है वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट ठीक है वेरीगेटेड लीफ उसे कहते हैं जो लीफ पार्सली ब्लैक पेपर से कवर की जा कर दी जाती है और दूसरी पत्ती एक होती है जो लाइट में एक्सपोज कर दी जाती है जब हम स्टार्च का टेस्ट करते हैं स्टार्च का जब टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो केवल ग्रीन पार्ट ऑफ लीव्स में होती है लाइट की में जो वेरिगेटेड लीफ होती है उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती है ओके okay, रविंद्र दो क्लास एक टाइम हाँ बेटा कभी कभी ऐसा होता है कोई दिक्कत नहीं है उधर क्वेश्चन चल रहे इधर थ्योरी चल रही जो आपका मन हो कर सकते देखो कितने ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं अभी आगे चल के ऐसा भी हो सकता है कि एक एक टाइम पे दस दस क्लास चले आपकी नीट के लिए अलग जेई के लिए अलग फाउंडेशन के लिए अलग टारगेट के लिए अलग इलेवंथ पास के लिए अलग ट्वेल्थ पास के लिए अलग हाई स्कूल पास के लिए अलग क्वेश्चन के लिए अलग एन का अलग प्रीवियस ईयर के लिए अलग नीट के लिए अलग है ना तो अलग अलग तरह की क्लासेज हो सकती हैं थ्योरी का अलग एन का अलग एन के बाहर का अलग बायोनीट का अलग तो इस तरह से बहुत सारी क्लासेस हो सकती हैं हाँ तो आगे बढ़े हैं। ठीक है अब एक एक्सपेरिमेंट हमारे पास है जिसमें हम ये पता लगाते हैं कि सी टू फोटोसेंथिस के लिए जरूरी है तो इसमें हम क्या करते हैं इसमें एक एक्सपेरिमेंट हम करते हैं जिसमें लीव का एक पार्ट हम टेस्ट ट्यूब के अंदर इंक्लोज कर देते हैं और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या रखते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोब्ड कॉटन क्यूएच से भीगा हुआ रख देते हैं कॉट क्यूएच की खास बात यह होती है कि ये सीओ टू को एब्सॉर्ब कर लेता है और लीफ का दूसरा हिस्सा हम एयर में एक्सपोज रखते हैं ठीक है दूसरा हिस्सा हम एयर में एक्सपोज रखते हैं अब इस सेटअप को हम लोग क्या करते हैं लाइट में कुछ समय के लिए रख देते हैं जब लाइट में रखते हैं और स्टार्च का टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि जो एक्सपोज्ड पार्ट लीफ का है उसका पॉजिटिव टेस्ट आया स्टार्च के लिए लेकिन जो पोर्शन टेस्ट ट्यूब के अंदर है उसका है इसका मतलब ये है कि इज फॉर क्योंकि जो लीफ का हिस्सा टेस्ट ट्यूब के अंदर था उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था जिसने सीओ टू को एब्सॉर्ब कर लिया तो टेस्ट ट्यूब वाले हिस्से में सीओ टू नहीं बचा इसलिए वहां पर फोटोसेंथिस नहीं हो पाई तो इस पूरे पेज से आपको क्या पता चला कि सीओ टू इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसेंथेसिस अब हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट है सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट प्रिस्टले ने 1774 में जी ध्यान रखिएगा 1774 में प्रिस्टले ने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था भैया ये तो केमिस्ट्री का सवाल भी हो गया ठीक है 1770 में क्या किया इन्होंने 1770 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि

बेलजार के अंदर या चूहे को रखते हैं तो चूहा मर जाता है मोमबत्ती है लेकिन जब प्लांट को रखते हैं तो चूहा भी जिंदा रहता है मोमबत्ती भी जलती रहती तो इन्होंने क्या समझाया इन्होंने कहा कि मिंट प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था ये बात ध्यान रखिएगा ठीक मिंट प्लांट इन्होंने कहा कि प्लांट रिस्टोर टू द एयर वॉट एवर ब्रीदिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल रिमूव जिस एयर को जलती हुई मोमबत्ती और सांस लेते हुए चूहे ने खराब कर दिया उसको प्लांट क्या कर देते हैं प्लांट उसे रिस्टोर करने का काम करते हैं क्लियर बेटा इतना प्लांट उसे क्या कर देते हैं रिस्टोर कर देते हैं अरे हाँ बेटा मिस प्रिंसेस लाइव ही हूं बेटा मैं <laughs> हाँ, चूहा मोमबत्ती का एक्सपेरिमेंट है बिल्कुल ठीक है इतनी चीज क्लियर हो गई अच्छा अब देखो जरा यहाँ पर अब के तरह का एक सेटअप यूज किया था इंजन हाउस ने इंजन हाउस ने क्या किया इंजन हाउस ने दिखाया कि सनलाइट इज एसेंशियल टू प्लांट प्रोसेसेस ये उन्होंने बताया कि सनलाइट प्लांट प्रोसेसेस के लिए जरूरी होती है ठीक है इन्होंने देखा कि इन्होंने एक्वेटिक प्लांट का यूज किया अपने एक्सपेरिमेंट में और इन्होंने देखा कि इन ब्राइट सनलाइट स्मॉल बबल वर फॉर्म अराउंड द ग्रीन पार्ट इन डार्क दे डिड नॉट देवेटिक प्लांट को जब सनलाइट में रखते हैं तो बबल आ, अपियर होते हैं स्मॉल बबल निकलते हैं बाद में पता चला कि जो बबल होते हैं ये ऑक्सीजन के बबल हैं हैंस इसलिए इंजन हाउस ने पता लगाया उन्होंने शो किया कि ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट कुड रिलीज ऑक्सीजन कुटोसेंथेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है जूलियस जूलिय की बात करें 1854 फिफ्टी फोर में जूलियस के बारे में याद है ना इन्होंने टेक्निक और खोजी थी हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक ठीक है इन्होंने एविडेंस दिया इस बात का कि जब प्लांट ग्रो करते हैं तो ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है और ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर किया जाता है और ये जो आ, ग्रीन सब्सटेंसेज होते हैं प्लांट में जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं ये स्पेशल बॉडी के अंदर पाए थे जिनको हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से

और यहां से पहला एक्शन स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेसिस का आया तो अगर आपसे पूछा गया फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज गिवन बाय तो आपका आंसर क्या होगा इंगलमैन के द्वारा दिया गया इंगलमैन के द्वारा पहला एक्शन स्पेक्ट्रम दिया गया हाँ ह्यूमन फिजियो भी कराएंगे बेटा बिल्कुल ह्यूमन फिजियो भी कराएंगे अब देखो इम्पेरिकल इक्वेशन क्या होती है बेटा एम्पेरिकल इक्वेशन सबसे सिंपलेस्ट इक्वेशन होती है देखो सीओ टू प्लस वाटर गिफ्ट ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ये जो सी एस टू लिखा हुआ है ये ग्लूकोज को रिप्रेजेंट करता है तो ये इम्पेरिकल इक्वेशन डायरेक्ट आपसे पूछी जा सकती है अब बात करते हैं वॉन नील एक्सपेरिमेंट इन्होंने पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने ये भी बताया कि जो फोटोसेंथिसिस के दौरान ये देखिए ये इनका एक्सपेरिमेंट है वॉर्न नील का इन्होंने कहा फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्रीन प्लांट में जो वाटर होता है और जो रिलीज नहीं करते हैं, जैसे bacteria, तो उनमें क्या होता है एसटूस जो होता है ये हाइड्रोजन डोनर होता है पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में और ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑक्सीजन नहीं होता बल्कि सल्फर या सल्फेट होता है इस आधार पे बहुत इंपॉर्टेंट वार्ड ने कहा कि द ऑक्सीजन इवॉल्व बाय द ग्रीन प्लांट कम फ्रॉम द वाटर एंड नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड बाद में इसको रेडियो आइसोटॉपिक टेक्निक के द्वारा भी प्रूफ किया गया देखिए जो सीओ टू होता है बेटा ये ग्लूकोज में चेंज होता है और जो वाटर होता है ये ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज हो जाता है ओवरऑल प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का ठीक है दिस इज ओवरऑल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दिस इज ओवरऑल एंड दिस इज द एम्पेरिकल ये इंपेरिकल इक्वेशन आपको दिखाई क्लियर तो ओवरऑल और इम्पेरिकल दोनों इक्वेशन आपको यहां पर पता होनी चाहिए एडमिट कार्ड बेटा नौ तारीख को आ जाएगा नौ तारीख को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा अब ये फोटोसिंथेसिस होती कहां पर है फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें तो फोटोसेंथिस की जो साइट एक्चुअली होती है, है ना अगर हम बात करें लीफ की मीजोफिल सेल लीफ की जो मीजोफिल सेल होती है बेटा उनमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते कितने क्लोरोप्लास्ट होते ये भी आपने चैप्टर एट में पढ़ा तो जल्दी से मुझे बताओ कि मीजोफिल सेल में कितने क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट की बात करें बेटा तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक मेम्ब्रेन सिस्टम होता है मेम्ब्रेन सिस्टम में ग्रेना और स्ट्रोमा लेमली हो जाते हैं और एक मैट्रिक्स होता है जिसे स्ट्रोमा कहा जाता है ठीक है तो इसमें मेम्ब्रेन सिस्टम में ग्रेना और स्ट्रोमा लेमली हो गए और जो फ्लूड पार्ट होता है उसे स्ट्रोमा का नाम दिया जाता है अब यहाँ पर जो मेम्ब्रेन सिस्टम है बेटा मेम्ब्रेन सिस्टम हाँ बीस से चालीस बिल्कुल सही है बिल्कुल सही अमित कुमार बीस से चालीस हो जाएगा ठीक है जो मेम्रेन सिस्टम होता है ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है जिससे ए की और होती है इन्हें हम लाइट रिएक्शन कहते हैं या फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं क्योंकि ये सीधे लाइट पर डिपेंड करती है सीधे लाइट से चलती ठीक है लेकिन स्ट्रोमा की बात करें तो स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक रिएक्शन से शुगर की सिंथेसिस होती है शुगर की synthesis होती है और ये रिएक्शन डायरेक्टली लाइट पर डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है लेकिन लाइट रिएक्शन में बनने वाले प्रोडक्ट ए और एन पर डिपेंड करती है इसलिए डार्क रिएक्शन या कार्बन रिएक्शन कहते हैं बच्चा शायद इस कार्बन रिएक्शन पे जनरली ध्यान नहीं देता है ठीक है लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं और डार्क रिएक्शन को कार्बन रिएक्शन कहते हैं हाँ क्लेम आइडोमोनास में एक क्लोरोप्लास्ट होता है और जो आ, मीजो सेल होती हैं उनमें बीस से चालीस क्लोरोप्लास्ट होते हैं <laughs> कौन आ गया डोडू है बेटा डोडू सोच रहे हैं रात में भी क्या हो रहा है सुबह जब मैं निकलने लगता हूँ कोचिंग के लिए तो पापा कहाँ जा रहे हो बिट्टू भी आ जाएंगी तो जा रहे हो हाँ बेटा कोचिंग जा रहा हूं मुझे भी तो जाना है ठीक ठीक अभी मिलाता हूँ रोडू से ये देखो यहां पर ये स्ट्रक्चर आपको दिखाए गए ये ग्रहण आपको दिखाया गया ये स्ट्रोमा लेमली आपको दिखाई गई हैं और ये स्ट्रोमा दिखाई गए इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं मेम्ब्रेन सिस्टम इन दोनों को मिला के हम मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं जहां पर लाइट रिएक्शन चलती है और ये जो स्ट्रोमा है बेटा इसके अंदर क्या चलती है डार्क रिएक्शन चलती है डार्क रिएक्शन में ही एक्चुअली सुगर की ओके okay? बुकलेट बेटा मिल गई है आज बुकलेट मिल गई है भगत सिंह बने हुए थे चलो अब देखो यहाँ पर बेटा अगर हम लीफ की पिगमेंट की बात करें तो लीफ में कई सारे पिगमेंट है क्लोरोफिले क्लोरोफिल भी कई सारे पिगमेंट पाए जाते हैं इन पिगमेंट को सेपरेट करने के लिए ठीक है लीफ पिगमेंट को सेपरेट करने के लिए पेपर क्रोमेटोग्राफ नाम की टेक्निक यूज करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी नाम की टेक्निक आपसे पूछी जा सकती है ठीक है पिगमेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करने की क्षमता पाई जाती है ठीक है अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं और अगर विजिबल स्पेक्ट्रम की बात करें तो आप इसको कैसे याद करते हैं विबग्योर 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 से याद करते और में में बताओ विब्ग्योर में जो सिक्वेंस आपको दिया गया ये वेव का बढ़ता हुआ सिक्वेंस है इंक्रीजिंग ऑर्डर है डिक्रीजिंग जल्दी से बताओ बेटा जल्दी से बताओ ठीक है अब देखो जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है क्लोरोफिल ए के द्वारा वो ब्लू और रेड रीजन में मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन होता है और इन्हीं रीजन में फोटोसिंथेसिस का रेट भी सबसे ज्यादा होता है और इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि क्लोरोफिल ए चीफ पिगमेंट है फोटोसेंथिस के लिए भाई पिगमेंट तो कैरोटीनॉइड भी है क्लोरोफिल भी इंक्रीजिंग ऑर्डर है बिल्कुल एकदम सही बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर है वेव लेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो क्लोरोफिल ए ठीक है क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए अच्छा अब देखो यहां पर <coughs> लिखा है कि क्लोरोफिल इज द मेजर पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट अदर था पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल बी चैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड विच इज कॉल्ड एसेसरी पिगमेंट क्लोरोफिल ए को मेजर पिगमेंट हम कहते हैं ठीक है लेकिन जो क्लोरोफिल बी जेंथोफिल और कैरोटीनॉइड होते हैं इनको एसेसरी पिगमेंट का नाम दिया जाता है ठीक है एसेसरी पिगमेंट क्या करते हैं ये ए, एनर्जी को लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करके उस एनर्जी को क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर करते हैं और इस वजह से ये क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट करते हैं फोटो ऑक्सीडेशन से अगर सारी लाइट क्लोरोफिल ए ही अब्सॉर्ब करेगा तो फोटो ऑक्सीडेशन मतलब ज्यादा लाइट एनर्जी की वजह से क्या हो जाएगा डैमेज हो जाएगा तो उसको फोटो ऑक्सीडेशन से बचाने का भी काम करते हैं अब बात करते हैं लाइट रिएक्शन के बारे में ठीक है लाइट रिएक्शन इधर आइए कम आई कमेर कमेर इसमें इसमें इस हेलो बोलिए इसमें हेलो बोलिए व्हाट इज दिस ब्रैंक यू सोर्स setan nih turun setan nih suruh <laughs> अबे ये क्या कर दिया रुको चलिए यहाँ लिखिए राइट हियर डोडो को पढ़ाने देंगे आज बेटा पढ़ाओगे क्या चलो पढ़ा दो क्या पढ़ाओगे रेक्टेंगल हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी Three hundred and bones two hundred and how many bones present in our body two um, hundred and uh, twenty one I'm not joking better How many planets in the solar system? Nine planets. We count it Venus, Earth, Mars, Jupiter, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Uranus, Neptune. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Eight planets. Yes, eight planets. Very good. ट स्टेशन नियस्ट प्लान ठीक है नाउ गो डाउन ओके अभी ये यूकेजी में है और यूकेजी में इनको पढ़ा दिया गया है कि बोन कितनी होती है बॉडी में हैंड में कौन कौन सी बोन पाई जाती हैं है ना प्लेनेट के बारे में पूरी डिटेल मतलब जो हम लोग इंटर में जान पाए थे वो अभी ये अभी मतलब नर्सरी में बच्चों को पढ़ा दिया जा रहा है सोचो क्या होगा कॉम्पिटिशन हाँ ठीक हाँ, है चलो अब लाइट रिएक्शन की बात करते हैं बेटा ठीक है लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शन या फोटोकेमिकल फेज भी कहते हैं क्या क्या चीजें होती हैं लाइट का एब्जॉर्बशन होता है वाटर स्प्लिटिंग होती है ऑक्सीजन रिलीज होती है और इसके अलावा

डिस्कवरी के आधार पे है नाम इनके फंक्शन के आधार पे नहीं है ये लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम आपको कॉम्प्लेक्स दिखाया गया है ये रिएक्शन सेंटर आपको दिखाया गया रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए बनाता है क्लोरोफिल ए ठीक है तो अब एलएससी में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में कई हंड्रेड मॉलिक्यूल होते हैं ठीक है और इनमें से एक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को छोड़कर बाकी जितने पिगमेंट होते हैं वो एंटीना का फॉर्मेशन करते हैं ठीक है और जो सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है वो रिएक्शन सेंटर का फॉर्मेशन करता है रिएक्शन 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 सेंटर 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 और और में में अलग अलग होता है, और में होता है है ठीक डिफरेंट अगर पीएस वन की बात करें तो पी एस वन में जो क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर होता है वो पी सेवन हंड्रेड नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है इसलिए उसे पी सेवन हंड्रेड कहते हैं और पीएस टू में जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है वो सिक्स एटी एनोमीटर वेलिन की लाइट को एब्जॉर्ब करता है इसलिए उसे P680 कहते हैं ओके अब आते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट देखिए अब देखिए पहले काम कौन करता है फोटो सिस्टम टू से आप स्टार्ट करोगे फोटो सिस्टम टू में जो रिएक्शन सेंटर है यानी क्लोरोफिल ए ये सिक्स नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है रेड लाइट को भी लिखा है रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है ठीक है और जब इलेक्ट्रॉन लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो एक्साइटेड हो जाते हैं एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है अगर को करेगा, तो न्यूक्लियस से दूर वाली ऑर्बिट में चला जाएगा ठीक है अब ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा उनको पिक कर लेता है कौन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो साइटोक्रोम होते हैं वो इन्हें पिक कर लेते हैं ठीक है और फिर इनका जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का ये डाउनहिल मूवमेंट होता है ठीक है डाउनहिल मूवमेंट होता है अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होते हुए तक जाते हैं तक जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से फोटो सिस्टम करते हैं फोटो सिस्टम वन तक मूव करते हैं ठीक दूसरी तरफ जो फोटो सिस्टम वन होता है बेटा ये भी एक्साइटेड हो जाता है जब रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 700 नैनोमीटर को एब्जॉर्ब करता है और फिर इन इलेक्ट्रॉन का भी मूवमेंट होता है ये देखिए यहां पर यह आपको दिखाई गया फोटो सिस्टम टू का रिएक्शन सेंटर और ये फोटो सिस्टम वन का रिएक्शन सेंटर ये 700 हंड्रेड नैनोमीटर की लाइट को एब्सार्व करता है ये सिक्स नैनोमीटर लाइट को एब्सॉर्व करता है बेटा यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके देखो पहला जो मूवमेंट है कैसा ऊपर जा रहा है अपहिल फिर नीचे की तरफ आ रहा है नीचे का मतलब ईटीएस ये देखो पीएस टू और पीएस वन के बीच में पीएस टू और पी वन के बीच में क्या है ईटीएस है और ईटीएस के दौरान ही एटीपी बन गया तो इलेक्ट्रॉन ईटीएस के द्वारा पीएस वन तक आते हैं फिर यहां से फिर अपहिल मूवमेंट होता है अपहिल के बाद फिर डाउन हिल मूवमेंट होता है तो चार मूवमेंट हो गए पहला मूवमेंट अपहिल देन, हिल देन, अपहिल देन, डाउनहिल ठीक है अपहिल डाउनहिल अपहिल डाउन हिल बेटा अभी मैं आता हूं नीचे ओके? वेर इज बिट्टू बिट्टू अभी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं फाइनली बेटा यहां पर आते हैं वो इलेक्ट्रॉन एनएडीपी के साथ मिलके एनए का फॉर्मेशन करते हैं ठीक है तो आप देखो एनएडीपीएच भी बन गया और ये एडीपी का फॉर्मेशन भी हो गया ठीक है यह है लाइट रिएक्शन ठीक है ये लाइट रिएक्शन आपको दिखा दी गई यही सब यहाँ पर आपको पूरी तरीके से लिख के दिया कि होल स्कीम की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां से होता है पीएस टू से शुरू होता है अपहिल करते हैं फिर डाउनहिल मूवमेंट करते हैं पीएस वन तक फिर पी टू से फिर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं फिर अपहिल जाते हैं और फिर डाउनहिल हिल एन ए डी पी तक जाते हैं और एन ए डी पी एच का फॉर्मेशन करते हैं इसी को हम जेड स्कीम कहते हैं क्योंकि इसका सेप ही उस तरह का आएगा है ना अगर इसका सेप आप देखेंगे तो इस तरह का सेप आएगा और ये जो सेप होता है ये अभी तो एन दिखाई दे रहा है लेकिन एक्चुअल ये जेड आपको नजर आएगा है ना इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं इस तरह का जेड सेप में तो इस इसीलिए इसको जेड स्कीम कहते हैं या फिर इसका एक नाम और होता है नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन ठीक है नॉन साइक्लिक फोटोफासफोरेशन अब स्प्लिटिंग ऑफ़ वाटर की बात कर लेते हैं बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहे हैं है तो है, तो आएंगे? आएंगे ठीक है इलेक्ट्रॉन वाटर स्प्लिटिंग से आएंगे अब ये वाटर स्प्लिटिंग जो है बेटा ये कहां पर है तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद पीएस टू आप देख लो जो पीएस टू है यहाँ पर उसके साथ ये वाटर के स्प्लिटिंग रिलेटेड पी एस वन से रिलेटेड नहीं ये बात आपको ध्यान रखनी है नो बेबी ठीक है वाटर इज स्प्लिट इनटू टू प्रोटॉन ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन अगर दो वाटर मॉलिक्यूल के बारे में बात करें तो फोर प्रोटॉन फोर इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है अब देखिए यहां पर ऑक्सीजन भी रिलीज हो गई दिस क्रिएट ऑक्सीजन वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्पीड बढ़ा दी जाए थोड़ी अच्छा हाँ ये भी बात सही कह रहे हो अब देखो यहाँ पर वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है ये फोटो सिस्टम टू के साथ एसोसिएटेड होता है और कहां पर होता है इनर साइड ऑफ ऑफ द मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन के इनर साइड में पाया जाता है अब देखो अगर हम साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन की बात करें ठीक है तो एटीपी की जो सिंथेसिस होती है बेटा एटीपी की जो सिंथेसिस होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है एटीपी सेंथिस को फास्फोराइलेशन कहते हैं

जेड स्कीम का नाम दिया जाता है ठीक है और एटीपी और एनएडीपी दोनों का फॉर्मेशन होता है ठीक है लेकिन अगर हम साइक्लिक अब देखो साइक्लिक फोटोफास्फोरेशन में केवल पी वन का इन्वॉल्वमेंट होता है और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसी के अंदर सर्कुलेट करते रहते तो हैं घूमते रहते हैं और केवल एटीपी बनता है

और प्रोटॉन ल्यूमिन में ज्यादा हो गए जहां पर प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे वहां पर पीएच क्या हो जाएगा डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है अब देखिए ये जो प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनता है स्ट्रोमा और ल्यूमेन के बीच में ठीक है इस ग्रेडियंट को जब ब्रेक करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है हो, और उस एनर्जी से हम एटीपी की सिंथेसिस करते हैं ठीक एटीपी की सिंथेसिस करते हैं अब देखो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में एटीपी बनाने के लिए एक मेम्ब्रेन चाहिए एक चाहिए, एक प्रोटॉन प्रोटॉन पंप चाहिए चाहिए ग्रेडियंट और एटीपी सिंथेज एंजाइम चाहिए एटीपी सिंथेज एंजाइम की अगर हम बात करें तो इस एंजाइम के दो पार्ट होते हैं एक को सी एफ नॉट कहते हैं और एक को सी एफ वन कहा जाता है सी एफ नॉट थैलाक्ट मेंब्रेन के अंदर एम्बेडेड होता, होता है और जो सी एफ एन सी एफ वन होता है ये ये मेम्ब्रेन से बाहर निकला रहता है यहाँ आप देख भी सकते हैं ना ये देखिए ये सी एफ नॉट आपको दिखाई गई सी एफ वन दिखाई गई फिगर चेंज हुआ एनसीआरटी में पुराने एनसीआरटी तो उसमें ये फिगर नहीं दिया गया और नई एन टी में इस फिगर को चेंज किया गया है ओके चलो अब देखो यहां पर क्या कह रहे हैं ठीक है अब जब इलेक्ट्रॉन बेटा यहां पर कहां से कहां आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन जब पास होते हैं यहां पर ल्यूमेन से स्ट्रोमा की तरफ जब प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट होता है तब एटीपी की सिंथेसिस होती तब एटीपी की सिंथेसिस होती इतनी बात आपको ध्यान रखनी ठीक है अब लाइट रिएक्शन में ए और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन हो गया अब इनका यूज कहां करेंगे बायोसिंथेटिक फेज यानी

डार्क रिएक्शन में कैलविन साइकिल में उनका यूज करेंगे ठीक है अब देखिए यहाँ पर अगर हम कैलविन साइकिल की बात करें और उन्होंने ये पता लगाया था कि जो सीओटू फिक्सेशन प्रोडक्ट होता है वो पहला वो तीन कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड होता है जिसे थ्री फास्फोग्लिसरिक एसिड या शॉर्ट में पीजीए कहते हैं और इस पीजीए के अंदर अगर हम बात करते हैं है ना इस पीजीए के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसमें तीन कार्बन प्रेजेंट होती हैं। अब अगर हम दूसरे प्लांट की बात करें जिन्हें हम सीफोर प्लांट कहते हैं ना सीफोर प्लांट की अगर बात करते हैं तो सीफोर प्लांट में ऑक्जेलोएसिटिक एसिड ऑक्जेलोएसटिक एसिड जिसमें चार कार्बन होती हैं ये पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है पहला स्टेबल प्रोडक्ट सी4 प्लांट में क्या होता है बेटा सी4 साइकिल में पहला स्टेबल प्रोडक्ट ऑक्जेलोएसिटिक एसिड होता है यानी दो तरह के हमारे पास प्लांट हैं एक सी3 प्लांट और एक सी4 प्लांट जो C3 पाथवे बेटा सी3 पाथवे में सी3 एसिड पीजीए पहला स्टेबल प्रोडक्ट है और C4 पाथवे में ऑक्जेलो एस्टिक एसिड पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है अब प्राइमरी एक्सेप्टर की अगर हम बात करें तो C3 प्लांट में C3 प्लांट में जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है प्राइमरी एक्सेप्टर होता है C3 साइकिल में वो पांच कार्बन का सुगर होता है जिसे आर यू बी पी के नाम से जानते हैं राइबुलोस बिस्फेट के नाम से जानते हैं अब कैलविन साइकिल पे आ जाते हैं एक चीज और ध्यान रखना है कि जो है बेटा साइकिल या कैलविन पाथवे सभी फोटो सिंथेटिक प्लांट में होगी चाहे वो प्लांट सी थ्री प्लांट हो चाहे सी फोर प्लांट हो या कोई अदर दूसरे प्लांट हो सब में सी थ्री साइकिल जरूर पाई जाएगी अब सी थ्री साइकिल को तीन स्टेज में डिवाइड किया गया कार्बोक्सिलेशन रिडक्शन और रीजनरेशन में पहले कार्बोक्सिलेशन की बात करते हैं कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है कि जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है उसको आ, टू जो होता है इसको आर यू बी पी एक्सेप्ट करता है ठीक आर यू बी पी प्राइमरी एक्सेप्टर उसको एक्सेप्ट करता है जिससे बनते हैं टू मॉलिक्यूल ऑफ थ्री पी जी और इस एंजाइम को रूबिस को कैटेलाइज करने का काम करता है तो कार्बोक्सिलेशन गया है जो सीओ टू है इसको आर यू बीपी एक्सेप्ट करता और थ्री फॉस्फो एसिड का फॉर्मेशन कर देता दूसरा है दूसरा स्टेप है रिडक्शन रिडक्शन के स्टेप में बेटा क्या होता है दो मॉलिक्यूल एटीपी के खर्च होते हैं फास्फोराइलेशन के लिए और दो मॉलिक्यूल एनएडीपीएच के खर्च होते हैं रिडक्शन ऑफ सीओ टू मॉलिक्यूल है ना एक सीओ टू मॉलिक्यूल के लिए दो ए टी पी खर्च हो रहे हैं और दो एन ए डी पे खर्च हो रहे हैं तो अगर सिक्स मॉलिक्यूल हम सी ओ टू को फिक्स करेंगे एक ग्लूकोज को बनाने के लिए तो टर्न साइकिल चलेगी ठीक है साइकिल कितनी बार चलेगी छह बार ये साइकिल चलेगी रीजनरेशन की अगर हम बात करें तो रीजनरेशन रीजनरेशन स्टेप में एक ए टी पी की खर्च हो एक ए टी पी खर्च होता है एक साइकिल के दौरान तो छ साइकिल में छ ए टी पी खर्च हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि अगर हम देखें यहाँ पर तो इन आउट एक सीओ टू के लिए एक सीओ टू के लिए आपने देखा एक सीओ टू के लिए तीन ए टीपी और दो एन ए डीपीएच खर्च हुई टू मॉलिक्यूल एंटरिंग द केल्विन साइकिल थ्री मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी एंड टू मॉलिक्यूल ऑफ एनएडीपीएच आर रिक्वायर्ड तो अगर हम एक ग्लूकोज बनाना चाहते हैं तो उसके लिए छे सीओ टू खर्च होंगे तो छे सीओ टू का मतलब अट्ठारह एटीपी और बारह एनएडीपी एच भी यहां पर खर्च हो जाएंगे क्लियर बेटा तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए छीओ टू बारह एन और अठारह ATP खर्च होते हैं और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कैल्विन साइकिल कितनी बार चलेगी छह बार कैलविन साइकिल रन करेगी अब आते हैं सी फोर पे थवे को हैच एंड कहते हैं ठीक है की अगर हम बात करते हैं बेटा तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है प्लांट की अगर हम बात करें तो इनमें स्पेशल टाइप की लीफ एनाटॉमी पाई जाती है और ये प्लांट हायर टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं ठीक है ज्यादातर ये ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में प्रेजेंट होते हैं अब देखिए यहां पर पर्टिकुलरली लार्ज सेल अराउंडल होती है इम्परम टू गैसे नो इंटरसेलर स्पेस ये सारे सवाल आपसे पूछे गए सीफोर प्लांट के एग्जाम्पल मेज और स्वर्गम ये दोनों आपको अच्छी तरीके से याद रखने

Pep पेप कार्बोक्सिलेज या पेपकेज नाम का जो एंजाइम होता है ये इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है यहाँ पर मेजो सेल के अंदर रुबिस्को एंजाइम नहीं पाया जाता है अब जो C4 फोर एसिड ऑक्जेलोस्टिक एसिड है जो मेजो सेल के अंदर बना ये कन्वर्ट होता है किसमें कन्वर्ट होता है एस्पार्टिक एसिड या मैलिक एसिड में मेजो के अंदर ही ऑक्जेलोस्टिक एसिड मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में चेंज हो जाता है और फिर इसे ट्रांसपोर्ट करके बंडल सेल तक ले जाते हैं बंडल सेल तक इसे ट्रांसपोर्ट करके ले जाते हैं बंडल सी सेल के अंदर जो एसिड है इसको तोड़ के सीओ टू और तीन कार्बन का मॉलिक्यूल ये देखो, यहाँ पर लेखे गए C4 एसिड को इसका डीकार्बोक्सिलेशन हुआ C3 एसिड और सीओ टू निकल गया जो सीओ टू है ये अब कैलविन साइकिल चलाएगा तो कैलविन साइकिल सीफोर प्लांट में भी बंडल सीज सेल के अंदर कौन सी साइकिल चलती चलती अब जो C3 है वापस आया, मीजोफिल के अंदर और रीजनरेशन हो गया तो शुरू किया वहां पर आपको वापस भी आना है तो तीन कार्बन का जो मॉलिक्यूल है मीजोफिल में वापस है और कन्वर्टेड हो गया पिप यानी फास्फो इनाल पायरवेट में वापस चेंज हो गया अब जो सीओ टू रिलीज हुआ था बंडल सीज सेल के अंदर ये कैलविन साइकिल में एंटर करेगा और कैलविन साइकिल में एंटर करने के बाद में यहां पर फॉर्मेशन होगा सुगर का ठीक है तो बेसिक पाथवे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सुगर द कैलविन पाथवे कॉमन टू सी थ्री एंड सी फोर प्लांट सी थ्री और सी फोर दोनों ही तरह के प्लांट में कैलविन साइकिल आपको जरूर मिलेगा अब यहां पर यह ध्यान रखना है कि इन द सी प्लांट इट डज नॉट टेक प्लेस इन द मीजो फिलसेल बट डज सो ओनली इन द बंडल सी सेल कैल्विन साइकिल जो है बेटा ये केवल और केवल कहां पर चलेगी बंडल सीत सेल के अंदर चलेगी बंडल सीत सेल के अंदर कैलविन साइकिल चलेगी क्योंकि रोबेस्को एंजाइम मीजो फिल सेल के अंदर नहीं पाया जाता है अब बात करते हैं फोटो रेस्प्रेशन के बारे में नीट में लगातार यहां से सवाल हर साल पूछा जा रहा है ठीक फोटो रेस्प्रेशन फोटो रेस्प्रेशन के दौरान हम C3 और C4 प्लांट को डिफ्रेंसिएट करते हैं देखो पहला स्टेप क्या होता है पहला स्टेप जो होता है बेटा कैलविन साइकिल का उसमें आर यू बी से रिएक्शन करता है इसको कैटलाइज करता है जिससे दो मॉलिक्यूल बनते हैं थ्री पी के लेकिन हम जानते हैं कि रूबिस्को सबसे अबंडेंट प्रोटीन होती है पूरे वर्ल्ड में है ना लेकिन इसकी खास बात ये होती है कि ये एंजाइम सीओ और ऑक्सीजन दोनों के साथ बाइंडिंग कर सकता है ठीक है लेकिन रुबिस्को में ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा होती है है ना सीओ टू एंड ऑक्सीजन इज नियरली इक्वल अगर सीओ टू और ऑक्सीजन का रेशियो इक्वल है तो उस केस में रुबिस्को सीओ टू से बाइंड करेगा लेकिन लेकिन ये बाइंडिंग कॉम्पिटिटिव है ठीक है अगर ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गया तो ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाएगा इन सी थ्री प्लांट सम ऑक्सीजन बाइंड टू रुबिस्को एंड सीओ टू फिक्सेशन इज डिक्रीज अगर आर यू पी पी अगर आर यू पी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया है ना और रुबिस्को एंजाइम वहां पर तो उस केस में दो मॉलिक्यूल पीजीए के नहीं बनेंगे जो कि बनने चाहिए थे कैलविन साइकिल में पीजीए के दो मॉलिक्यूल बनने चाहिए थे जो कि नहीं बनेंगे इसकी जगह पर क्या बनेगा एक मॉलिक्यूल फास्फोगलेसरेट का और एक मॉलिक्यूल फास्फोगलाइकोलेट का बनेगा मतलब PGA, जिसमें तीन कार्बन और ये दो कार्बन का कंपाउंड बन जाएगा और इसी को हम कहते हैं फोटो फो, ना तो शुगर की होती ना ही एटीपी एटीपी बल्कि यहां पर ATP को CO2 को यूटिलाइज करके रिलीज कर दिया जाता है इसलिए यहां पर एटीपी एनएच और शुगर की नहीं होती है और यहाँ एनसीआरटी का बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फोटो रेस्परेशन इज नॉट नोन पहले एनसीआरटी ने लिखा था कि ये वेस्टफुल प्रोसेस है लेकिन आप कह रहे हैं इसका फंक्शन हमें पता नहीं है C4 प्लांट में फोटोरेस्पिरेशन नहीं पाया जाता है और इसीलिए इसीलिए जो प्रोडक्टिविटी और ईल्ड है ये C4 प्लांट में ज्यादा होती है साथ ही ये प्लांट ज्यादा हायर टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसेंथेस कौन कौन से फैक्टर हैं बेटा यहाँ पर फैक्टर की अगर हम बात करें कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं कुछ इंटरनल फैक्टर इंटरनल फैक्टर को प्लांट फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल फैक्टर में हमारे पास क्या जाएंगे सनलाइट टेम्परेचर सीओ टू कंसेंट्रेशन वॉटर ये चारों आ जाएंगे अब जब कई सारे फैक्टर कहीं पर एक्ट करते हैं तो वहां पर लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर एक्ट करता है जो कि ब्लैकमैन के द्वारा दिया गया था उन्नीस सौ पांच में ठीक है ये कहता है कि अगर किसी केमिकल प्रोसेस को एक से ज्यादा फैक्टर अफेक्ट करते हैं तो इसका रेट वो फैक्टर डिटरमाइन करता है जो इसकी मिनिमम वैल्यू में पाया जाता है ये वो फैक्टर है जो डायरेक्टली डायरेक्टली अफेक्ट करता है प्रोसेस को अगर उसकी क्वांटिटी को चेंज कर दिया जाए अब लाइट देख लीजिए पहला फैक्टर है ठीक है लाइट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है लाइट सेचुरेशन टेन परसेंट ऑफ फुल सनलाइट पे मिल जाता है इसलिए अगर हम सेड में या डेंस फॉरेस्ट में ग्रो करने वाले प्लांट को छोड़ दें तो लाइट रेयरली लिमिटिंग फैक्टर होता है नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर पहली चीज सीओ टू इज लिमिटिंग फैक्टर ये मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है ठीक है अगर हम C3 और C4 प्लांट की बात करते हैं बेटा तो C3 और C4 प्लांट में आपको ध्यान रखना है कि C4 प्लांट में जो सेचुरेशन है थ्री माइक्रोलीटर पे मिलता है और Uh, C3 प्लांट में CO2 टू का जो सेचुरेशन होता है ये 450 फिफ्टी माइक्रोलीटर पर लीटर से ऊपर मिलता है इसका मतलब जो करंट अवेलेबिलिटी CO2 टू की है वो C3 प्लांट के लिए लिमिटिंग है और इसीलिए C3 प्लांट को अगर हायर सीओ टू के कंसेंट्रेशन में रखा जाए तो फोटो का रेट बढ़ जाता है प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है और इस केस को हमने ग्रीन हाउस क्रॉप में यूज किया जैसे टोमेटो एंड बेल पेपर केस में टोमेटो और बेल पेपर को ग्रीन हाउस क्रॉप कहते हैं जब इनको सियोटू रिच एनवायरमेंट में रखा जाता है तो इनकी फोटोसेंथिस का रेट बढ़ जाता है टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो टेम्परेचर में आपको ध्यान क्या रखना है बेटा कि C4 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर ठीक है और C3 प्लांट में मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है ट्रॉपिकल प्लांट की अगर बात करें तो ट्रॉपिकल प्लांट में हायर टेम्परेचर ऑप्टिमा पाया जाता है टेम्परेट प्लांट की तुलना में वाटर की बात करें वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर का डायरेक्ट इफेक्ट फोटोसिंथेसिस पे नहीं पड़ता है ठीक है ये क्या करता है इनडायरेक्ट इफेक्ट कॉज करता है जैसे अगर वाटर की कमी हो गई तो पत्तियां मुरझा जाएंगी जिससे सरफेस एरिया कम हो जाएगा और इससे सरफेस एरिया के कम होने से प्लांट को कम सनलाइट मिल पाएगी कितना टाइम लग गया बेटा पैतालीस मिनट लग गया करीब ना ठीक आगे बढ़े प्लांट फिजियोलॉजी में थोड़ा बच्चों को डर लगता भी है ना चलो नाइन फिफ्टी थ्री स्टार्ट करें रेस्पिरेशन अब जो पढ़ेगा वही पढ़ेगा बेटा है ना ठीक है इसमें हमें क्या क्या चीजें पढ़नी जरा समझ लेते हैं इस चैप्टर में बेटा मेनली हम बात करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में ठीक सेलुलर रेस्पिरेशन सेलर रेस्पिरेशन का मतलब द मैकेनिज्म ऑफ फूड मटेरियल विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी एंड ट्रैपिंग ऑफ दिस एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट थ्रू ऑक्सीडेशन विद इन सेल लीडिंग टू रिलीज ऑफ कंसिडरेबल इज कॉल्ड रेस्परेशन और जिन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होने से एनर्जी निकलती उन्हें रेस्परेटरी सब्सटेट कहते हैं ज्यादातर केसेस में कार्बोहाइड्रेट रेस्परेटरी सब्सटेट होता है लेकिन प्रोटीन फैट और ऑर्गेनिक और एसिड भी रेस्परेटरी सबस्टेट हो सकते हैं स्पेशल कंडीशन में स्पेशल कंडीशन में ये भी रेस्पिरेटरी सबस्टेट हो सकते हैं ए को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है ये बात पहले भी हम कर चुके हैं डू प्लांट ब्रीद में कोई खास बात नहीं है फोटोसिंथेसिस की जो कंप्लीट इक्वेशन है वो ये सॉरी रेस्परेशन की कंप्लीट इक्वेशन ये आपको दी गई है ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होने से सीओ टू वाटर और एनर्जी रिलीज होती है अर्थ प्लैनेट पे जो सबसे पहली सेल आई थी वो एनारोबिक कंडीशन में थी क्योंकि लाइफ की ओरिजिन के समय ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी ठीक अब देखिए रेस्पिरेशन uh, चाहे जैसा हो एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो सबसे जो पहला स्टेप होता है वो ग्लाइकोलिसिस होता है ठीक है ग्लाइकोलिसिस ग्रीक वर्ड से है ग्लाइकोस का मतलब शुगर और लिसिस का मतलब स्प्लिटिंग ग्लाइकोलिसिस की स्कीम दी गई थी मेयरहॉफ मेयर पारनास के द्वारा और, से कहते हैं। e मतलब मतलब और मतलब पारनास के द्वारा दिया गया एर, ये अकेला प्रोसेस में होता है। कहां पर चलता है साइटोप्ला के अंदर चलता है और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चाहे प्रो कैरियोट चाहे यू हो सभी के अंदर पाया जाता है ग्लाइकोलिसिस में जो ग्लूकोज होता है उसका पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है जिससे पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है ठीक पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल बनते हैं देखिए ग्लूकोज से यहाँ पर पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुविक एसिड के एक मॉलिक्यूल में तीन कार्बन ग्लूकोज में छह कार्बन होते हैं अब आप देख सकते हैं दो स्टेप ऐसे हैं जहां पर एटीपी खर्च होती है और दो स्टेप ऐसे हैं जहां पर ए बनती है यही सब पूछा जाता है ग्लूकोज से ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट के दौरान एक ए टीपी पर खर्च हो रही है फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1 6 बिस्फोस्फेट के दौरान एक एटीपी खर्च हो रही ठीक फिर देखो 1 3 बिस्फोस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड के बनने के दौरान दो एटीपी बन रहे हैं दो मॉलिक्यूल है ना तो दो एटीपी बन जाएंगे और यहाँ पर फास्फोइनल पाइरुवेट पे से पाइरुविक एसिड बनने के हम दो एटीपी बन जाते हैं तो चार एटीपी बने और दो खर्च हो गए है ना इसका मतलब यहाँ पर जो गेन हो रहा है और कितना हो रहा है दो ए का गेन हो गया लेकिन यहाँ पर दो एनएडीएच भी प्रोड्यूस हो रहे हैं ना दो एन भी प्रोड्यूस हो रहे हैं और एक एन ए में जाके तीन ए बनाता है तो दो एन का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर टोटल कितने हो गए टोटल छ ए और बन जाते हैं तो अगर एरोबिक रेस्परेशन में आप जाओगे तो दो ए टी पी यहां से और एनएडीएस से छीपी बन जाएंगे दो एन एडीएस से इसलिए यहाँ पर टोटल एट ए टी पी का नेट गेन आपको आ जाएगा ठीक है अगर एरोबिक प्रोसेस एनरोबिक है तो दो ही एटीपी का नेट गेन होगा यही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई वाटर कहाँ पे निकलता है ये भी आप देख लीजिए टू फॉसफो ग्लिसरिक एसिड से फास्फोनाल पायरवेट बनने के दौरान एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है ठीक एक वाटर मॉलिक्यूल फास्फो एसिड से टू पीजीए से टू पीजीए से पेप के बनने के दौरान एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर रिलीज हो रहा है ठीक ये सब बातें यहां पर लिखी हुई है देखो लिखा है कैलकुलेट हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल आर डायरेक्टली सिंथेसाइज इन दिस पाथवे फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल डायरेक्टली कह रहा है तो डायरेक्टली कितनी सिंथेसाइज हुई चार सिंथेसाइज हुई दो खर्च हो गए तो इसका मतलब दो एटीपी हो जाएगा यहां पर है ना क्या होगा भविष्य क्या होगा need, यह की पर करता है, है ना? अब यहाँ पर तीन तरीके हो सकते हैं पायर्विक एसिड के साथ या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा या एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा या एरोन होगा जो फर्मेंटेशन होता है बेटा ये एनरोबिक कंडीशन में होता है कई सारे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट जैसे ईस्ट के अंदर होता है ठीक है कंप्लीट ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें कंप्लीट ऑक्सीडेशन की अगर बात करें तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन में CO2 और वाटर बनता है जिसमें क्रेप साइकिल चलती है ईटीएस चलता है जिसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं और एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है तो पहले हम फर्मेंटेशन की बात कर लेते हैं ईस्ट की अगर हम बात करें तो ईस्ट में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का होता है और एसिड से क्या बन जाता है सीओ टू और इथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पर दो एंजाइम लगते हैं एक डी कार्बोक्सीज और एल्कोहल डीहाइड्रोजिनेस का यूज किया जाता है यहाँ पर ठीक है अब कुछ बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं पायर्विक एसिड से ठीक है हमारी मसल के अंदर भी जो एक्सरसाइज जब हम करते हैं है ना तो ऑक्सीजन कम होने से जो पायरुक एसिड होता है ये लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है लैक्टेट के लैक्टेट के द्वारा लेकिन इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है अब जो लैक्टिक एसिड और एल्कोहल लैक्टिक एसिड और एल्कोहल जो बनते हैं फर्मेंटेशन के दौरान इनसे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती केवल कितनी एनर्जी रिलीज होती है लेस देन सेवन परसेंट एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज सात परसेंट से कम एनर्जी रिलीज होती है साथ ही साथ ये जो दोनों प्रोसेस हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन दोनों नुकसानदायक हैं, ठीक है ये जो ए, ए, एसिड और एल्कोहल ये दोनों नुकसानदायक होते हैं अगर ठीक अगर आप देखिए यहाँ पर लिखा है एनसीआर ने कि ईस्ट पॉइजन ईस्ट ने एल्कोहलिक फर्मेंटेशन किया और एल्कोहल का फर्मेंटेशन करने से एल्कोहल का परसेंटेज तेरह से ज्यादा हो गया तो ईस्ट की खुद की डेथ हो जाएगी ठीक खुद की डेथ हो जाएगी अब यू कैरियॉट की अगर बात करें तो यू में जो आ, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें क्रेपसाइकिलीटियस चलता है बेटा ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है ठीक है एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है जिससे जिसमें ऑक्सीजन को यूज किया जाता है और सीओ टू रिलीज होती है वाटर रिलीज होता है और काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी थर्टी एट ए टी पी यहाँ पर टोटल बनती है जबकि एनोरोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन में केवल दो ए टीपी की होती है। तो चलिए अब एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ लेते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है ठीक है तो इसके लिए जो पायरविक एसिड या पायुर्वेट होता हो, पायरवेट पायरिक एसिड का हम ना, ग्लाइकोलिसिस में साइटोप्लाज्म से बना है पायरविक एसिड को साइटोप्लाज्म से ट्रांसपोर्ट करके माइटोकॉन्ड्रिया में लाते हैं अब माइटोकॉन्ड्रिया में लाने के बाद दो चीजें मेनली आपको जाननी है ठीक है एक तो यहां पर जो पायरविक एसिड है बेटा ठीक है जो पायरविक एसिड है ये ग्लाइकोलिसिस के दौरान बना है और इसको साइटोप्लाज्म से कहा लेके आएंगे माइटोकॉन्डियल मैट्रिक्स से और माइटोकॉन्डल मैट्रिक्स में लाने के बाद क्या होगा ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगा ये देखो एसिड का ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सीन होगा जिससे एसिटाइल को बनेगा जिसमें दो कार्बन तो तीन कार्बन वाला कंपाउंड था पायुर्वेट डिहाइड्रोजेज एंजाइम क्या करता है इसको एसटाइल को में चेंज करता है और एक सीओ टू मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है तीन कार्बन थे एक कार्बन एस्टाइल को दूसरा सीओ टू ठीक है साथ ही यहां पर कई सारे कोएंजाइम जैसे कोनएडी हो गया कोएंजाइम कोएंजाइम है ये है एनएडी मैग्नीशियम एन सबका यूज होता है और यहाँ पर एनएडीएच बनते हैं अब ये एक पायरुविक एसिड है बेटा तो एक पायरुविक एसिड है तो एक स्टाइल को एक सीयू टू एक एनएडीएच लेकिन एक ग्लूकोज से दो पायरुविक एसिड बने हमेशा कैलकुलेशन एक ग्लूकोज से याद रखिएगा तो एक ग्लूकोज से दो पायरुविक एसिड बने हैं तो दो एस्टाइल को दो सीयू और दो एनएडीएच का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है ठीक है ये देखो लिखा भी है टू मॉलिक्यूल ऑफ एन आर प्रोड्यूस फ्रॉम ऑफ टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरविक पाथवे में एंटर पाथ करेगा जिसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड या क्रेप साइकिल के नाम से जानते हैं क्योंकि हैं, नाम के साइंटिस्ट ने इसको पहली बार बताया था इस साइकिल के बारे में तो क्रेप साइकिल को टीसीए साइकिल भी कहा जाता है ठीक टीसीए साइकिल कैसे स्टार्ट होती है ग्रुप जो होता है को है को एंजाइम एसिड के साथ रिएक्शन करता है, वाटर के साथ रिएक्शन करता है और सिट्रिक एसिड बनाता है ठीक सिट्रिक एसिड और इस रिएक्शन में जो एंजाइम होता है वो सिट्रेट सिंथेज होता है फिर तो जो सिट्रेट है बेटा ये आइसोसिट्रेट में चेंज होता है और इसके बाद दो बार कार्बोक्सी डी कार्बोक्सिलेशन होता है जिससे अल्फा कीटो कीटोग्लूटेरिक एसिड और सक्सिनाइल को फॉर्मेशन होता है ये साइकिल आपको दी भी गई है टूट गई क्या चलो ठीक है ठीक है तो अल्फा के आगे पीछे आप ध्यान रखेंगे जहां पर स्यूटू निकलता है ठीक है जब सक्सेनाइल कोई में सक्सिनिक एसिड में चेंज होता है तो जीटीपी टी पी की सेथिस होती है जिसे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कहते हैं और ये कपल रिएक्शन में जो जीटीपी होता है ये एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है तीन पॉइंट साइकिल में ऐसे होते हैं जहां पर एन का फॉर्मेशन होता है और एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पर एफ का फॉर्मेशन होता है ठीक है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एसेट की बात करें तो ऑक्जेलो एसटिक एसिड एसेट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द साइकिल क्रेप साइकिल का सीधा सवाल पूछा सकता पहला मेंबर में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड पहला मेंबर होता तो देखो क्या हुआ में तीन सीओ टू चार एनएटीएच एक एफ एडीएस टू और एक एटीपी का फॉर्मेशन होगी एक पायरुविक एसिड की बात कर रहे हैं तो एक ग्लूकोज से तो दो पायरुविक एसिड बने तो पूरे को दो से मल्टीप्लाई कर लो है ना पूरे को दो से मल्टीप्लाई करोगे तो छह सीओ टू आठ एनएटीएच दो एफ टू और दो एटीपी का फॉर्मेशन यहां पर हो जाएगा ठीक है अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, फास्फोराइलेशन मतलब एटीपी सिंथेस जो एटीपी सिंथेस क्लोरोप्लास्ट में हुआ था उसको हमने फास्फोराइलेशन कहा था और जो रेस्पिरेशन में हो रहा में उसे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का नाम दे रहे ठीक है तो अब जो ए, 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 एनर्जी एनएडीएच और एफ टू में स्टोर है इस एनर्जी को ईटीएस के द्वारा हम क्या करेंगे एटीपी में चेंज कर देंगे ETS कहां पे चलता है ETS बहुत पूछा था इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेंब्रेन में चलता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेंब्रेन में अब यहां पर पांच कॉम्प्लेक्स आपको याद करने NADH डीहाइड्रोजिन कॉम्प्लेक्स नंबर वन होता है

एफ ए टू का एक मॉलिक्यूल एफ ए टू का एक मॉलिक्यूल ए के दो मॉलिक्यूल बनाता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ठीक है एक फिगर यहां पर दिया गया है इसको देख लीजिए देखो ATP कब बनती है यहां पर जब प्रोटॉन, दो प्रोटॉन, ध्यान से सुनिएगा ये जो आपको जगह दिखाई गई उसे हम कहते हैं ये इधर है। दोनों के बीच स्पेस है यहां पर प्रोटॉन है और ये प्रोटॉन किधर जा रहे हैं मैट्रिक्स की तरफ जा रहे हैं जब दो प्रोटॉन मैट्रिक्स की तरफ जाते हैं मेम्ब्रेन स्पेस से तो एक एटीपी बनता है दो प्रोटॉन खर्च करने पर ट्रांसपोर्ट करने पर एक एटीपी के होती है, सब पूछे जाएंगे ठीक है देखो फॉर टू प्रोटोन पासिस फ्रॉम द मेम्ब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स सीधा सवाल पूछा जाएगा आप बैलेंस शीट की अगर बात करें तो बैलेंस शीट में कोई बहुत खास बात नहीं है बस आपको यह ध्यान रखना है यहां पर कि हम्म hmm. फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस आपको फर्मेंटेशन में केवल पार्शियल ब्रेकडाउन ग्लूकोज का होता है जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है फर्मेंटेशन में जो नेट गेन होता है केवल दो एटीपी का होता है ठीक है दो एटीपी मॉलिक्यूल का नेट गेन होता है लेकिन अगर हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की तो एरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल जो एटीपी बनती है टोटल जो एटीपी बनती है एरोबिक रेस्पिरेशन में वो 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है पहले एनसीआर ने 36 लिखा था 38 लिखा हुआ है एक चीज और ध्यान रखनी है आपको क्या एन इज ऑक्सीडाइज टू एन ए डी फर्मेंटेशन लेकिन ये रिएक्शन बहुत ही तेज होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में तीन डिफरेंस हैं जो आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखने होंगे अब बात करते हैं एम्फीबोलिक पाथवे ठीक एम्फीबोलिक पाथवे अगर हम आ, रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन को एम्फीबोलिक पाथवे का नाम दिया जाता है अब यहां पर यह चीज ध्यान रखिएगा बेटा कि अगर कोई कार्बोहाइड्रेट है अगर इसको रेस्पिरेटरी सबस्टेट के तौर पे यूज करने तो पहले ग्लूकोज में चेंज होगा फिर ग्लूकोज से ग्लूकोज और पूरा पाथवे जो आपने पढ़ा है वो फॉलो होगा लेकिन अगर कोई फैट है तो फैट फैटी एसिड ग्लिसरॉल में चेंज होगा फैटी एसिड एस्टाइल को जाएगा और ग्लिसरॉल पीजी एल के लेवल पे एंटर कर जाएगा या फिर डीएचएपी के लेवल पे एंटर कर जाएगा प्रोटीन अमीनो एसिड में चेंज होंगी पहले और अमीनो एसिड के डीएमिनेशन के बाद ये पायरविक एसिड एस्टाइल को या सीधे क्रेप साइकिल के लेवल पर एंटर कर जाती है तो ये जो आपको फिगर दिया गया इसी के बारे में सब कुछ लिख के बताया गया है इसकी जगह पर आप सीधे उस फिगर से याद करिएगा ठीक वो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए तो यहां पर लिखा है कि जो रेस्पिरेटरी पाथवे रेस्पिरेटरी पाथवे को हम कंसिडर करते हैं एम्फीबोलिक पाथवे पहले इसको कैटाबोलिक माना जाता था लेकिन अब इसको एम्फीबोलिक पाथवे माना था अब बात करते हैं आरक्यू के बारे में ये भी पूछा जाता है आरक्यू क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सी टू इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूमड इसको RQ या रेशियो भी कहते हैं ये किस पे पे डिपेंड डिपेंड करता करता है करता है जैसे कार्बोहाइड्रेट के लिए आरक्यू की है। ठीक है ये आपको दिखाई भी गया कार्बोहाइड्रेट अगर ग्लूकोज है तो वन हो गया है ना अगर हम फैट की बात करें ना फैट में लेस देन वन हो जाएगा लेस देन वन हो जाएगा जैसे ट्राइपॉमिटिंग के लिए कैलकुलेट किया गया ट्राइ पॉमिटिंग में आर्क्यू वैल्यू पॉइंट सेवन आ गई प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन के आर्क्यू की वैल्यू कितनी आती है पॉइंट नाइन आ जाती कितना टाइम लगा बेटा हाई स्पीड कुछ ज्यादा ही हो गई क्या सत्रह मिनट मिनट में चैप्टर खत्म वाह बेटे वाह बेटे हम्म, नौ तिरपन पे स्टार्ट किया था चलो अगला चैप्टर स्टार्ट करें कितने बजे दस दस पे स्टार्ट करें दस 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 -टे -टे। तेन टेन तेन टेन टिन टिन पे स्टार्ट करें। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसमें देखो मेनली जो क्वेश्चन आता है वो तो यहां से आता है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इसको मत भूलिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है चलो अब देखते हैं क्या क्या खास बात है यहां पर डेवलपमेंट इज टू प्रोसेसेस ग्रोथ एंड डिफेंसिएशन ठीक ग्रोथ एंड डिफेंसिएशन को मिला ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ क्या है बेटा मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्सपीक्स कैरेक्टरिस्टिक लिविंग बींग ग्रोथ को कैसे डिफाइन करते हैं इ रिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन द साइज ठीक है इ रिवर्सिबल परिज इन द साइज प्लांट की जो ग्रोथ होती है बेटा वो कैसी है प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटर्मिनेट या अनलिमिटेड टाइप की ग्रोथ पाई जाती है ना क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं बेटा मेरेस्टम पाए जाते हैं इसलिए यहाँ पर अनलिमिटेड टाइप की ग्रोथ पाई जाती है अब यहां पर बेटा अगर डाइकॉट और जिम्नो की बात करें तो उसमें लेटरल यानी सेकेंडरल, सेकेंडरी मेरिस्टम होते हैं और जो चैप्टर में मेरे पहली पढ़ चुके हो इनसे सेकेंडरी ग्रोथ होती है सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या है इंक्रीज इन गर्थ इंक्रीज इन गर्थ को सेकेंडरी ग्रोथ के नाम से जाना जाता है ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं कैसे मेजर कर सकते हैं प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ना ठीक लेकिन प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ेगा कैसे पता चलेगा अलग अलग तरीके इंक्रीज in इन फ्रेश वेट ड्राई वेट लेंथ एरिया वॉल्यूम सेल नंबर इनमें से कोई चीज बढ़ जाए मतलब ग्रोथ हो रही है है ना जैसे एक सिंगल रूट एपिकल मेरिस्टम की सेल एक घंटे में सत्रह हजार पांच सौ नई सेल का फॉर्मेशन करते हैं जबकि अगर हम बात करते हैं वाटर मेलन के बारे में तो वाटरमेलन अपने साइज को इंक्रीज कर सकता है साढ़े तीन लाख गुना अपने साइज को साढ़े तीन लाख गुना तक इंक्रीज कर सकता है ठीक है तो अगर हम मेज की बात करें तो मेज में ग्रोथ को कैसे कैलकुलेट किया गया है मेज में ग्रोथ को एक्सप्रेस किया गया सेल नंबर के हिसाब से और अगर हम बात करते हैं वाटरमेलन तो वहां पर इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल के हिसाब से ग्रोथ को मेजर किया गया वॉलेंट्यूब में ग्रोथ को कैसे मेजर करेंगे लेंथ के हिसाब से मेजर करेंगे अगर डॉसिव वेंटर लीफ है तो वहां पर इंक्रीज इन सरफेस एरिया से हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं तो आप देखिए नंबर के द्वारा साइज के द्वारा लेंथ के द्वारा सरफेस एरिया के द्वारा अलग अलग तरीके से हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी डिटेक्शन ऑफ जोन ऑफ इलांगेशन बाय पैरल लाइन टेक्निक यहाँ पर ट्यूब में ग्रोथ आपको दिखाई गई है कैसे पैरल लाइन टेक्निक के द्वारा यहाँ पर ग्रोथ आपको दिखाई गई है अब बात करते हैं फेजेस ऑफ ग्रोथ के बारे में तीन तरह की फेज होती है ग्रोथ में मेरिस्टमैटिक इलांगेशन और मैचुरेशन फेज है ना तीन तरह की फेज हो जाएंगी अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मेरिस्टमैटिक फेज की बात करें तो मेरिस्टमैटिक फेज की खास बात क्या है बेटा यहाँ पर जो सेल होती हैं दीज आर रिच इन प्रोटोप्लाज इज लार्ज न्यूक्लिया इनमें बड़े बड़े न्यूक्लियस पाए जाते हैं बड़े बड़े न्यूक्लियस होते हैं सेल वाल प्राइमरी नेचर में पाई जाती हैं थिन होती हैं सेलोजिक होती है और बहुत सारे प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन पाए जाते हैं ठीक है आगे बात करें फेज ऑफ इलांगेशन के बारे में तो यहाँ पर वैक्यूल का साइज बढ़ जाता है सेल इलाशन हो जाता है न्यू डिपोजिशन हो जाता है और अगर हम बात करें फेज ऑफ फेज ऑफ मैचुरेशन के बारे में तो फेज ऑफ मैचुरेशन में क्या होता है बेटा फेज ऑफ मैचुरेशन में अगर देखें तो यहाँ पर सेल अपने मैक्सिमम साइज को अटेन कर लेते हैं ठीक है मोस्ट ऑफ द टिश्यूज एंड सेल टाइप रिप्रेजेंट दिस फेज करें ज्यादातर जो सेलो टिश्यू आपने पढ़े हैं वो किस फेज के हैं फेज ऑफ मैचुरेशन के ठीक आगे चलते हैं ग्रोथ रेट की बात कर लेते हैं इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म ड्रोथ रेट ठीक है अब ग्रोथ रेट को मेजर करने के दो तरीके एरिथमेटिक और जियोमेट्रिक तरीके से हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं ठीक एरिथमेटिक या जियोमेट्रिक एरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होता है कि जब सेल डिवीजन होता माइटोसिस होती है तो दो डॉटर बनती है, लेकिन एक सेल डिवाइड करती और तो दूसरी डिफ्रेंसिएट या मैच्योर हो जाती है ठीक है कहा पर होगा ये रूट इलांगेशन एट ए रेट ठीक है करो कैसा मिलेगा लीनियर कॉर मिलता है और एल्टी फॉर्मूला क्या एल्टी इजक्ल टू एल नॉट प्लस आर टी जहां पर आर क्या है ग्रोथ रेट होता है ये आपको दिखाया गया है ना ये देखिए लीनियर करो यहाँ पर आपको मिला लीनियर करो आपको मिलता है एरथमेटिक ग्रोथ में ज्योमेट्रिकल ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ज्यादातर सिस्टम में यही ग्रोथ पाई जाती है ठीक है और यहाँ पर जो ग्रोथ होती है उसको आप देखें तो उसमें तीन फेज है लेग फेज एक्सपोनेंशियल या लॉग फेज कहते हैं और एक स्टेशनरी फेज यहाँ पर हो जाती है ठीक है लॉग को एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं ठीक है? ये बात आपको ध्यान रखनी लेग फेज होती है

नेचुरल लॉग आर इज द ग्रोथ रेट ओके अब यहां पर दो पत्तियां आपको दिखाई गई हैं ए और पी दोनों पत्तियों की अगर बात करें तो एक का साइज पांच से दस हो रहा है और एक का पचास से पचपन हो रहा है तो दोनों में जो एब्सोल्यूट ग्रोथ है वो तो बराबर है दोनों का साइज कितना इंक्रीज हो रहा है फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों का इंक्रीज हो रहा है लेकिन दोनों में जो रिलेटिव ग्रोथ रेट की हम बात करेंगे ठीक है दोनों के अगर रिलेटिव ग्रोथ रेट की हम बात करेंगे तो दोनों का जो रिलेटिव ग्रोथ रेट है वो एक दूसरे से अलग अलग होगा देखो लिखा भी है पूछा है कि हाउ एवर वन ऑफ देम सोज मच हायर रिलेटिव ग्रोथ रेट तो रिलेटिव ग्रोथ रेट किसका ज्यादा है ए का रिलेटिव ग्रोथ रेट ज्यादा है जबकि एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट दोनों में सेम होती है कंडीशन फॉर ग्रोथ में जनरली सवाल पूछा नहीं जाता आपसे ग्रोथ की कंडीशन क्या ग्रोथ करने के लिए क्या क्या चाहिए ग्रोथ करने के लिए चाहिए वाटर चाहिए ऑक्सीजन चाहिए न्यूट्रिय की जरूरत पड़ती है सब चीजें ग्रोथ करने के लिए जरूरी हैं अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है डिफ्रेंसिएशन डिडिफ्रेंसिएशन एंड रिडिफ्रेंसिएशन दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक ठीक इसको अच्छा समझिएगा देखो अगर मेरिस्टम से बनने वाली सेल डिफ्रेंसीट और मैच्योर हो जाए और स्पेसिफिक फंक्शन करने लगे तो इसी मैच्योरेशन को डिफ्रेंसीशन का नाम दिया जाता है ठीक डिफ्रेंसिएशन जैसे ट्रैकरी एलिमेंट का फॉर्मेशन करने के लिए जो सेल होती है अपने प्रोटोप्लाज्म को लॉस कर देती हैं और लिग्नोसेलोजिक से सेकेंडरी वॉल डेवलप कर लेती ताकि पानी को प्लांट में कैरी कर सके जैसा कि कल आपने पढ़ा था तो एलिमेंट का जो फॉर्मेशन हो, हो एग्जाम्पल की कैपेसिटी खत्म हो चुकी हो अगर उनमें डिवीजन करने की कैपेसिटी आ जाए तो इसे कहते हैं डिडिफ्रेंसिएशन जैसे फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कैम्बियम फ्रॉम फुल्ली डिफ्रेंसिएटेड पैर सेल पेरेंकाइमा सेल से इंटरफेशिकुलर कैंबियम और कॉर्क कैंबियम का बनना है, टी डिफरेंशिएशन कहलाता है अब तीसरी चीज है रीडिफरेंशिएशन अगर ये जो इंटरफेशिकुलर कैंबियम और कॉर्क कैंबियम अगर इनसे बनने वाली सेल है ना इनसे बनने वाली सेल में डिवीजन करने की कैपेसिटी फिर से खत्म हो जाए इसे कहेंगे रीडिफरेंशिएशन ठीक है रीडिफरेंशिएशन यहां पर एग्जांपल हो जाएगा जैसे सेकेंडरी जाइलम का बनना सेकेंडरी फ्लोएम है ना सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम इनका बनना क्या है बेटा रीडिफरेंशिएशन है क्योंकि सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम में डिवीजन करने की कैपेसिटी नहीं पाई जाती अब बात करते हैं डेवलपमेंट के बारे में

तो प्लास्टिसिटी में प्लास्टिक्पल हेट्रोफिलीन कॉटन कोरियर एंड लार्क इन तीनों प्लांट में क्या होता है कि जो जुवेनाइल प्लांट जब नन्हा मुन्हा पौधा होता है उसकी पत्तियां अलग सेप में होती हैं और मैच्योर प्लांट की पत्तियां अलग सेप में होती है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये यह जो फिगर दिखाया गया लार्क स्पर का फिगर ऊपर वाला ऊपर वाला फिगर किसका है लार्क स्पर का जिसमें आप देख सकते हैं जुवेनाइल प्लांट की पत्तियां अलग है एडल्ट प्लांट की पत्तियां अलग है एक ही प्लांट में अलग अलग फेज में अलग अलग पत्तियां आपको नजर आ रही दैट इज दिस इज हेट्रोफिली ड्यू टू किसकी वजह से ड्यू टू फेजेज ऑफ लाइफ ये हेट्रोफिली किसकी वजह से फेजेज ऑफ लाइफ की वजह से दूसरी तरफ से पत्तियों के सेप में जो अंतर आता है एयर और वाटर में वो अलग अलग होता है ठीक ये इन्वायरमेंट की वजह से हेट्रोफिली ठीक इन्वायरमेंट की वजह से जैसे कि अगर आप फिगर देखें यहाँ पर ये यह देखो नीचे वाला फिगर देखो नीचे वाला जो फिगर दिखाया गया है ये बटर कप का फिगर बटर कप का बटर कप में टेरेस्टल की पत्तियां देखो वाटर हैबिटेट की पत्तियां देखो एक ही प्लांट अगर पानी में तो उसकी पत्तियां अलग हैं और अगर वो पानी के बाहर तो पत्तियां अलग हैं तो दिस इज हेट्रोफिली ड्यू टू इनवायरमेंट और लार्कसपर कॉटन कोरियंटल लार्क, इस पर, cotton, लार्क इस पर में जो लाइफ दिस इज ड्यू टू द इनवायरमेंट दिस इज ड्यू टू इनवायरमेंट क्लियर इतनी बात अच्छा अब देखो डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड एज द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ग्रोथ और डिफरेंशिएशन का सम है ठीक है अब जो डेवलपमेंट होता है ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर के कंट्रोल में होता है ठीक है अगर हम इंट्रिंसिक फैक्टर की बात करें इंट्रिंसिक फैक्टर तो इंट्रिंसिक फैक्टर में इंट्रासेलुलर यानी जेनेटिक और इंटरसेलुलर यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आ जाते हैं जो हम पढ़ने ही चाह रहे हैं ठीक है थीके? और जो एक्सट्रिक फैक्टर होते हैं बेटा इसमें लाइट टेम्परेचर वाटर ऑक्सीजन न्यूट्रिशन ये सारी चीजें आ जाती हैं तो मेनली यहाँ पर हम किसके बारे में बात करेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं बेटा ये पांच तरह के होते हैं ये इंडोल कंपाउंड हो सकते हैं जैसे इंडोल थ्रेस्टिक एसिड जिन्हें आप ऑक्सीजन कहते हैं डेरिवेटिव कौन है बेटा साइटोकाइनिन जैसे काइनेटिन हो गया एन सिक्स फरफ्यूरिल एमोप्यूरिन हो गया कैरोनोइट डेरिवेटिव एप्सिस एसिड टर्पीन डेरिवेटिव जिब्रेलिक एसिड और गैसियस पीजीआर कौन है दैट इज द इथलिन इन्हें प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस भी कहते हैं प्लांट हार्मोन भी कहते हैं और फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है अब देखो जो पीजीआर होते हैं इनको ब्रॉडली दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है उनके फंक्शन के आधार पे ठीक है जो पीजीआर ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करते हैं ठीक है उन्हें प्लांट ग्रोथ प्रमोटर कहते हैं जैसे ऑक्सीजन जेब्रेलिन और साइटोकाइनिन लेकिन जो दूसरी कैटेगरी वाले पीजीआर होते हैं बेटा है ना जो दूसरे पीजीआर होते हैं जो स्ट्रेस में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें और प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करते हैं उन्हें प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर के नाम से जानते हैं ठीक है थीके? जैसे एसिड जो होता है वो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की कैटेगरी में आता है अगर इथाइलिन की बात करें तो इथाइलिन दोनों कैटेगरी में, में फिट हो जाता है लेकिन मेनली क्या है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर इथाइलिन दोनों कैटेगरी में प्रमोटर और इनहिबिटर दोनों कैटेगरी में आ सकता है डिस्कवरी ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की डिस्कवरी की बात कर लेते हैं ठीक है थीके? कैसे इनकी डिस्कवरी हुई जो पांच मेजर ग्रुप के पीजीआर हैं इन सबकी डिस्कवरी कैसे हुई एक्सीडेंटल और ये सब शुरू कैसे हुआ चार्ल्स डार्विन और उनके सन फ्रांसिस डार्विन से शुरू हुआ ये उन्होंने क्या देखा कैनरी ग्रास के जो कोलियोप्टाइल होते हैं उन पे जब लाइट डाली जाती है फोटोट्रॉपिज्म तो वो लाइट की तरफ मुड़ जाते हैं यहीं से सबकी शुरुआत हुई बाद में जो ऑक्सीजन होता है बेटा इसको एफडब्ल्यू वेंट के द्वारा ओट मतलब ओट जो होती है उसके अंकुर के कोलियोप्टाइल से आइसोलेट किया गया सीधे पूछा जा सकता है या सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस फंगल पैथोजन कॉज करता है ठीक है ई e कुरुसावा नाम के साइंटिस्ट ने इसके बारे में पता लगाया ठीक ई e कुरुसावा और बाद में पता चला कि जो जिब्रेलिक एसिड है जो जिब्रेलिक एसिड है यही बैकेन डिजीज को कॉज करने वाला केमिकल है और मिलर नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये पता लगाया कि अगर अगर टिशु कल्चर मीडियम में अगर टिश्यू कल्चर मीडियम में ऑक्सीजन के अलावा हम एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर ईस्ट एक्सट्रैक्ट कोकोनट मिल्क या डीएनए को मिलाते हैं तब वो ग्रोथ करके सूट का फॉर्मेशन करता है ठीक है और यहां से जो मिलर एटॉल देखो यहां पर लिखा है कि दिया गया मिड नाइन की बात करें तो तीन अलग अलग रिसर्चर्स के द्वारा तीन अलग अलग तरह के केमिकल के बारे में पता चला इनिबिटर बी एपिन टू और डॉर्मिन बाद में पता चला कि तीनों केमिकल सेम है और इनका नाम क्या रखा गया नाम नाम रखा गया। कजिन नाम के साइंटिस्ट ने देखा कि अगर पके हुए, पके हुए हुए ऑरेंजेस को कच्चे केले के साथ रख दिया जाए तो कच्चे केले जल्दी से पक जाते हैं क्योंकि पके हुए ऑरेंजेस से एक गैसियस सब्सटेंस निकलता है जिसको हम इथाइलिन कहते हैं अब इन पांचों कैटेगरी के जो एग्जाम्पल हैं उनके पांचों कैटेगरी के, के जो पीसीआर है उनका इफेक्ट क्या है देखो ऑक्सीजन की बात करें बेटा ऑक्सीजन ग्रीक टर्म ऑक्सीजन से बना जिसका मतलब होता है ग्रो करना ऑक्सीजन को सबसे पहले आइसोलेट किया गया कहाँ से ह्यूमन यूरिन से इसे आइसोलेट किया गया ह्यूमन यूरिन से अब देखो ऑक्सीजन में एग्जाम्पल की बात करें तो इंडोल थ्री एस्टिक एसिड आई ए है ना ये एक नेचुरल ऑक्सीजन होता है है ना इसी तरह से अगर हम बात करते हैं इंडोल प्यूटायरिक एसिड इंडोल एस्टिक एसिड तो ये नेचुरल ऑक्सीजन होते हैं ठीक है लेकिन इसोलेटेड फ्रॉम प्लांट मतलब नेचुरल हो गए लेकिन अगर हम बात करते हैं, टू -फोर टू -फोर सिंथेटिक होते हैं। और इन ऑक्सीजन का यूज किया जाता है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर खेती और बागवानी में इनका काफी ज्यादा यूज किया जाता है क्या क्या काम करते हैं ऑक्सीजन हेल्प टू इनिशियट रूटिंग इन एस्टेम कटिंग बहुत सारे जैसे गुलाब हो गया गुड़हल हो गया इनके स्टेम को कट करके और हम लोग नया प्लांट डेवलप करते हैं तो उसमें रूटिंग को इनिशिएट करने का काम कौन करता है ऑक्सीजन करता है ऑक्सीजन प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल आपसे नीट में इसी साल पूछा गया था दे हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लिफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज बट प्रमोट द बस ऑफ ओल्डर मैच्योर लीफ एंड फ्रूट ये इंपॉर्टेंट है अर्ली स्टेज में लीफ और फ्रूट ड्रॉप को रोकते हैं लेकिन बाद में ये फ्रूट और लीव ड्रॉप को प्रमोट करते हैं ठीक है आप देखो ये क्या करते हैं एपिकल बट की ग्रोथ को इनिबिट करते हैं और लेटरल बट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं जिसे हम एपिकल डोमिनेंस के नाम से जानते हैं ठीक है एपिकल बट की जो ग्रोथ होती है बेटा उसको प्रमोट करते हैं और लेटरल बट की जो ग्रोथ होती है उसको एनिबिट करते हैं ठीक सुन लीजिएगा फिर से एपिकल बट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और लेटरल बट की ग्रोथ को इनिबिट करते हैं जिसे हम एपिकल डोमिनेंस कहते हैं अगर हम रूट टिप को अगर हम सूट टिप को कट कर दें हम कहते हैं डीकैपिटेशन तो लेटरल बट की ग्रोथ होने लगती है इस फिनोमिनन को टी प्लांटेशन और हेज मेकिंग में यूज भी किया जाता है ऑक्सीजन पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करता है जैसे टोमेटो पार्थिनोकार्पी क्या है बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाना टू फोर डी की अगर हम बात करें तो ये यह वीट को किल कर सकता मतलब इसको हम हरबी साइड खरपतवार नाशक के तौर पे यूज करते हैं लेकिन ये मैच्योर मोनोकॉट प्लांट पे इफ, आ, को अफेक्ट नहीं करता और इसीलिए टू फोर डी का यूज हम वीड फ्री लॉन को बनाने के लिए खरपतवार रहित बगीचा बनाने के लिए इसका यूज करते हैं ऑक्सीजन आल्सो कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन एंड हेल्प इन द सेल है जाइलम के डिफरेंशिएशन में मदद करता है अभी तो आपने पढ़ा जाइलम में ट्रेखिड और वेसल का जो डिफरेंशिएशन हुआ उसमें मदद करता है कौन ऑक्सीजन अब आते हैं जिब्रेलिन सौ से ज्यादा जिब्रेलिन का पता अभी तक लगाया जा चुका है जिनके नाम हम जी वन जी ऐसे रखते हैं कहाँ से मिलते हैं फंजाई और हायर प्लांट से ऑप्टेन किए जाते हैं है ना सबसे ज्यादा जो रिसर्च किया गया है वो जी थ्री पर किया गया और इसी को हम जिब्रेलिक एसिड के नाम से जानते हैं सबसे ज्यादा स्टडी इसी पर की गई और जितने भी जिब्रेलिन होते हैं वो सब एस डी को नाम ही जिब्रेलिक एसिड काम की बात करते हैं यूज टू इंक्रीज लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक स्टॉक की, को बढ़ाने की करते हैं। like senescence. Senescence को बुढ़ापे को डिले करने का काम करते हैं जेबरेलिक एसिड स्पीड ऑफ माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रेविंग इंडस्ट्री शराब उद्योग में ये माल्टिंग प्रोसेस को इंक्रीज करते हैं सुगर केन की फसल पे अगर जेबरेलिन का छिड़काव कर दिया जाए तो इससे लेंथ बढ़ जाती है और इससे 20 टन, परेकर, नीट में 20 टन परेकर उसकी पैदावार पर में एक नन्हे मुन्या कोनीफर्स पर कर दिया जाए तो इससे उनका मैच्योरिटी पीरियड जल्दी आ जाता है जल्दी वो मैच्योर हो जाते हैं और अर्ली सीड प्रोडक्शन हो जाता है जेबरेली एसिड बोल्टिंग प्रोड्यूस करते हैं यानी फ्लॉरिंग के पहले इंटरनोड इलांगेट कर जाता है जैसे बीट कैबेज और ऐसे प्लांट जिनमें रोजेट हैबिट पाई जाती है साइटोकाइन की बात करें इसका इफेक्ट मेनली साइटोकाइनेसिस पे होता है और इसका एग्जांपल काइनेटिन है जो कि एक्चुअली एडिनिन या प्यूरिन की मोडिफाइड फॉर्म होती है डेरिवेटिव होता है कहाँ से निकाला गया था ऑटोक्लेव्ड हेयरिंग स्पर्म डीएनए यानी फिश के स्पर्म के डीएनए से काइनेटिन को सबसे पहले आइसोलेट किया था, गया था एनिमल से निकाला गया जनरली ये नेचुरली प्लांट के अंदर नहीं पाया था प्लांट के अंदर जीएटिन नाम का प्लांट के अंदर नाम का सब्सटेंस uh, पाया जाता है जो कि साइटोकाइनेसिस लाइक एक्टिविटी रखता है जेटिन कहाँ से निकाला गया कॉर्न कर्नेल और कोकोनट मिल्क से निकाला गया क्या खास बात होती है साइटोकाइनिन की अगर हम बात करते हैं बेटा तो साइटोकाइनिन Formation, इन मदद करती है और यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइटोकनिनपिकल डोमेंस एपिकल डॉमिनेंस का कारण कौन है ऑक्सीजन और एपिकल डोमेंस को ओवरकम कौन करता है साइटोकानिन दे प्रमोट न्यूट्रिय मोबिलाईजेशन विच हेल्प इन द डिले इन द लिब्स एन न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन कौन सा मिनरल करता है ये भी बता दो हार्मोन तो आप जान गए कि साइटोकाइनिन न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन करता है और लेफ सेनेसेंस को डिले करता है ओवरऑल सेनेसेंस को डिले करने का काम कौन करता है ये देखिए आपने पढ़ा था दे आल्सो डिले सेनेसेंस को डिले करते हैं, हैं। लेकिन लेफ्ट सेनेसेंस को डिले करने के बारे में अगर पूछा गया तो साइटोकाइनिन आंसर करोगे इथाइलिन इथाइलिन एक गैसियस पीजीआर ठीक है गैसियस पीजीआर कहां पर ज्यादातर ये उस जगह बनता है जहां पर फल पक रहे होते हैं ना राइपनिंग फ्रूट क्या कराता है ऑरिजेंटल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस एपिकल हुक फॉर्मेशन एंड डाइकॉड सीडलिंग इथाइलिन इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग यही सवाल बार बार आपसे पूछा जाता है ठीक है ये रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देता है जब फल पकते हैं और रेस्पिरेशन रेट का बढ़ना रेस्पायरेटरी क्लाइमेक्टिक कहलाता है बोरान बिल्कुल सही है बोरान जो मिनरल होता है बेटा यह कराता है न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन मोबिलाईजेशन इथ सीड एंड बारी इनिशिएट जर्मिनेशन इन पीनट सीड स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर पोटैटो ट्यूबर में जब आलू में जब स्प्राउटिंग होती है वो इथाइलिन ही कराता है इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट

इट इंडसेस फ्लॉरिंग इन मैंगो है ना को मैंगो में इंड्यूस इन, करता है अब इथाइलिन को जो यूज किया जाता है बेटा वो इथेफोन के यूज में किया जाता है है ना इथेफोन के रूप में यूज किया जाता है इथेफोन क्या करता है फ्रूट राइपनिंग इन टोमैटोज एंड एप्पल एसेलेट एप्शन इन फ्लावर एंड फ्रूट थीनिंग ऑफ कॉटन चेरी एंड वॉलट इट आल्सो प्रमोट फीमेल फ्लावरिंग इन कोकम्बर और फीमेल फ्लावर अगर ज्यादा आएंगे तो इसका मतलब है कि फीमेल फ्लावर का मतलब ओवर होगी हो उनसे फ्रूट बनेंगे मतलब ज्यादा खीरे निकलेंगे तो फीमेल फ्लावरिंग को कोकम्बर में खीरे के प्लांट में प्रोड्यूस कर प्रमोट करता है अब आते हैं एप्सिसिक एसिड एप्सिसिक एसिड यानी ए की बात करें बेटा तो ये एप्सिसन और डॉर्मेंसी को रेगुलेट करता है ठीक है जनरली प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होता है ठीक है इनहिबिटर ऑफ प्लांट इनहिबिट मेटाबोलिट सी एबीए स्टिमुलेट क्लोजर ऑफ स्टोमेटा है ना इसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं ठीक है अब यहां पर अगर हम बात करते हैं तो एबीए एंटागोनिस्ट होता है जेब्रेलिक एसिड के एंटागोनिस्ट मतलब एबी और जिब्रेलिक एसिड के काम एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा अपोजिट होते हैं ठीक अपोजिट होते हैं अब बात करते हैं फोटो पीरियोडिज्म के बारे में ठीक है फोटो पीरियोडिज्म का मतलब क्या है फोटो पीरियोडिज्म का मतलब है कि प्लांट को एक निश्चित समय के लिए लाइट की जरूरत होती है फ्लावरिंग करने के लिए ठीक है फ्लावरिंग करने के लिए इफेक्ट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइट फॉर फ्लावरिंग इज कॉल्ड फोटो पीरियोडिज्म अब यहाँ पर मैं फिगर में आपको समझाता हूँ जो लाइट कम से कम प्लांट को चाहिए फ्लावरिंग करने के लिए उसे कहते हैं क्रिटिकल फोटो पीरियड अगर क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा लाइट देने पर फ्लावरिंग हुई तो लॉन्ग डे प्लांट कम देने पर नहीं हुई अगर क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम लाइट देने पर फ्लावरिंग हो गई दैट इज शॉर्ट डे प्लांट और अगर फ्लावरिंग फोटो पीरियड पर डिपेंड नहीं करती तो उसे डे न्यूट्रल प्लांट यानी डीएनपी कहा जाता है लॉन्ग डे प्लांट एलडीपी कहते हैं प्लांट कहते हैं और डीएनपी डे न्यूट्रल प्लांट बस इतनी चीज आप ध्यान रखिएगा क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा लाइट देने पर फ्लॉरिंग हो रही लॉन्ग डे प्लांट कम देने पर फ्लॉरिंग हो रही सॉर डे प्लांट और कम ज्यादा से फर्क नहीं पड़ा तो उसे डीएनपी का नाम दिया जाता है ठीक है तो द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू पीरियड ऑफ डे और नाइट इज टमडे फोटो पीरियोडिज्म अब यहाँ पर क्या ध्यान रखना है फोटो पीरियोडिज्म में ये सबसे इंपॉर्टेंट द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट और लीव्स पत्तियां लारकिया टाइप पीरियड को क्या करती हैं बेटा परस्यू करती हैं वर्नलाइजेशन वर्नलाइजेशन में क्या होता है बेटा यहाँ पर फ्लावरिंग जो होती है बेटा वो लो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है ना फ्लावरिंग लो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अब ये जो वर्नलाइजेशन का फिनोमिनन है ये बाइनियल प्लांट में ठीक बाइनियल प्लांट में जनरली पाया जाता है बाइनियल प्लांट जैसे सुगर बीट कैबेज कैरेट ये आपको ध्यान रखने हैं ये कॉमन बाइनियल के एग्जाम्पल जब इनको कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं जब इनको कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं तो इनमें फ्लावरिंग होती है ये टॉपिक में ऐड किया गया है ठीक है बायोनीट में ये टॉपिक में जोड़ना भूल गया सी डॉमेंसी वाला क्योंकि सीडेंसी वाला टॉपिक अभी दो तीन साल पहले आया बायोनिट मैंने 2016 में चुकी रिलीज की थी है ना तो मैं टॉपिक जोड़ना भूल गया तो कॉपी वाला भी जोड़ना भूल गया है मतलब इससे बहुत सारी चीजें हैं बेटा हम्म सीड डॉर्मेंसी में का कारण जान लीजिए इम परमेबल एंड हार्ड सीड फोर प्रेजेंस ऑफ केमिकल इनिबिटर सच एस एब्सिसिक एसिड फिनोलिक एसिड पैरास्कॉर्पिक एसिड तीनों इंपॉर्टेंट हैं ठीक है पाप कौन कौन फिनोलिक एसिड एब्सिसिक एसिड पैरास्कॉर्पिक एसिड ये तीन इनिबिटर हैं तीनों पाप करते हैं जिससे सीड डॉर्मेंसी में चला जाता है या फिर इमेच्योर एम्ब्रियो भी हो सकता है, है ना ये कुछ रीजन है सीड डॉर्मेंसी के लिए अब सीड डॉसी को कैसे ओवरकम कर सकते हैं सीड डॉर्मेंसी को ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा ये माइक्रोबियल एक्शन की वजह से हो सकता है ठीक है या फिर मकैनिकल एब्रेजन घिस सकते हैं सीट को सीट कोट को नाइफ्स चाकू के द्वारा सैंड पेपर या विग्रस सेकिंग के द्वारा पैसे थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एनिमल खासतौर से बर्ड के डाइजेस्टिव uh, ट्रैक्ट से अगर पास हो जाए द इफेक्ट ऑफ इनिबिटरी ठंडा उनको ठंडा कर दें या एप्लीकेशन ऑफ सर्टन केमिकल लाइक जिब्रेलिक एसिड नाइट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है जिब्रेलिक एसिड आप देखो एपसी एसिड जो है वो सीड डॉर्मेंसी का कारण है और जो जिब्रेलिक एसिड सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है लाइट और टेम्परेचर की कंडीशन को चेंज करके भी सीड डॉर्मेंसी को ओवरकम किया जा सकता है खत्म बेटा कितना टाइम लगा दस दस से शुरू किया था दस चालीस हो गया स मिनट में चैप्टर खल्लास ह्यूमन फिजो स्टार्ट करें ह्यूमन फिजियोलॉजी जहाँ से करीब करीब आपके एग्जाम में इस बार तो आप मान के चलिए कि 18 से लेकर 20 सवाल ठीक 18 से लेकर 20 सवाल इस बार आएंगे यहाँ पर वैसे तो 15-16 सवाल आते थे अब 10 सवाल बढ़ जाएंगे तो 18 से 20 सवाल इसी यूनिट से अकेले पूछे जाएंगे 18 से 20 सवाल ठीक है ठीक है अब ह्यूमन फिजियो तो बहुत आसान है आप जानते हो कि भाई सात चैप्टर हैं हमारे पास में है ना हैं हैं और ये तो वैसे जो आज हम आसानी से कवर कर लेंगे तो दो चैप्टर आज कर लेंगे बाकी जो पांच चैप्टर बचेंगे वो कल कर लेंगे ठीक है तो डाइजेशन से स्टार्ट किया जाए ठीक है डाइजेशन में सबसे पहले तो चाचा जी के बारे में पढ़ लेते हैं अल्फांसो कॉर्टी के बारे में अल्फांसो कॉर्टी क्या थे बेटा इटालियन इटैलियन थे ठीक है इनका जो साइंटिफिक कैरियर था बेटा इनका जो साइंटिफिक कैरियर था अगर उसकी बात की जाए तो साइंटिफिक कैरियर कैसे शुरू किया इन्होंने साइंटिफिक कैरियर इनका स्टार्ट हुआ था कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल बाद में इनका जो ध्यान गया वो मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम के ऊपर गया ठीक है इन्होंने ऑर्गन ऑफ क्वारटी के बारे में पता लगा ऑर्गन ऑफ क्वारी के बारे में पता लगाया बस इतनी बात ध्यान रखना अब आते हैं चैप्टर नंबर 16। 38 में से 15 चैप्टर हो चुके हैं चैप्टर 16 हम स्टार्ट करें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ठीक है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो इसमें लिखा है फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल खाना तो सबकी जरूरत है बिना खाने के तो कोई जिंदा नहीं रह सकता है जो मेजर कंपोनेंट फूड के होते हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट होते हैं स्मॉल क्वांटिटी में विटामिन और मिनरल की जरूरत भी होती है ठीक है अब जो आ, पानी होता है पानी हमें

मकैनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड मकैनिकल का मतलब खाने को चबाना और बायोकेमिकल मतलब एंजाइम का एक्शन ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बेटा उसमें दो पार्ट होते है, हैं एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड पहले हम एलिमेंट्री कैनाल से शुरू करेंगे है ना एलिमेंट्री कैनाल में इंटीरियर ओपनिंग माउथ होती है और पोस्टर तो ओपनिंग आप सब जानते हो एनस होती है है ना पोस्टीरियर ओपनिंग जो होती है वो एनस हो जाएगी जो माउथ है बक्कल कैविटी के अंदर ओपन करती है ना बक्कल कैविटी को ओरल कैविटी भी कहते हैं बक्कल कैविटी में बत्तीस दांत पाए जाते हैं और एक मस्कुलर टंग प्रेजेंट होती है हमारा हर एक दांत जॉबोन के सॉकेट में एम्बेडेड होता है इस अटैचमेंट को थीकोडॉन्ट कहा जाता है ठीक है ज्यादातर मैमल में दांत के दो सेट निकलते हैं लाइफ टाइम में एक टेम्परे मिल्क या डेसीडोज तीत होता है और एक होता है परमानेंट या एडल्ट तीत इस कंडीशन को डाइफाइडोन कहा जाता है ह्यूमन के जो दांत होते हैं बत्तीस परमानेंट दांत होते हैं जो कि चार तरह के होते हैं इस कंडीशन को हेट्रोडॉन कहा जाता है चार तरह के दांत कौन से है इंसाइजर और मोलर हो जाएंगे ठीक है जो अरेंजमेंट तीर्थ का होता है हाफ अपर और हाफ लोअर जॉब में उसे हम डेंटल फॉर्मूला कहते हैं जो ह्यूमन के लिए होता है टू वन टू थ्री बच्चे के लिए पूछा जाए तो बच्चे के लिए हो जाता है टू वन जीरो टू अपॉन टू वन जीरो टू कितनी बात क्लियर अब देखिए तीत के ऊपर जो हार्ड चिविंग सरफेस होती है उसे इनेमल का नाम दिया जाता है और इनेमल फूड को मेस्टिकेट करने में मदद करता है इनेमल हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस भी होता है टंग एक फ्रीलू मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है जो बक्कल कैविटी से के फ्लोर से अटैच है फ्रेनुलम नाम के स्ट्रक्चर के द्वारा हमारी टंग के अपर सरफेस पे छोटे छोटे उभार होते हैं जिनमें पैपिली होती हैं और कुछ पैपिली में सम ऑफ विच कुछ पेपली में टेस्ट बड होती हैं, सारी पेपली में टेस्ट बड नहीं पाई जाती है ठीक के के बाद अगला पार्ट होता, होता है फूड पाइप एंड ट्रेकिया इज द विंड पाइप दोनों फेरिंग्स के अंदर ओपन करते हैं अब एक कार्टलिजिन जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं दिस एपिग्लॉटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इंटू देश

जाके ओपन करती जे बैग लाइक स्ट्रक्चर स्टमक इस के अंदर स्टमक इस और इसोफेगस के बीच में एक मस्कुलर स्फिंक्टर होता है जिसे स्फिंक्टर का नाम दिया जाता है ये ओपनिंग ऑफ इसोफेगस को स्टमक इस में रेगुलेट करता है स्टमक की बात करें तो स्टमक अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ में और इसके चार मेजर पार्ट होते हैं पहले एनसीआर में तीन पार्ट है चार पार्ट हैं कार्डियक फंडिक बॉडी एंड पाइलोरिक

ओपनिंग ऑफ स्टमक इंटू द डिओडम इज गार्डेड बाई द पाइलोरिक स्फिंक्टर तो दो तरह के स्फिंक्टर यहाँ पर हो जाएंगे एक स्फिंक्टर इस जगह पर है गैस्ट्रोइेज और एक यहाँ पर पायलोरिक स्पिंग्टर दो स्फिंक्टर यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट हो जाएंगे अब जो इलियम वाला पार्ट है बेटा इलियम वाला पार्ट ओपन करता है कहाँ पर इलियम ओपन इंटू द लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के तीन पार्ट है सीकम कोलन और रेक्टम सीकम क्या है सीकम एक ब्लाइंड स्मॉल ब्लाइंड से होता है जिसके अंदर सिंबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं इस सीकम से एक नैरो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं जो वेस्टिजियल ऑर्गन वेस्टिजियल ऑर्गन उसे कहते हैं जो पूर्वजों में फंक्शनल था हम लोगों में नॉन फंक्शनल हो गया ठीक है तो ये भी सीकम से राइज करता है। सीकम कोलन में ओपन होता है कोलन के चार पार्ट होते हैं पहले कोलन के तीन पार्ट एनसीआरटी में दिए थे अब चार हैं असेंडिंग ट्रांसफर डिसेंडिंग और सिग्माइड कोलन जो सिग्मोइड कोलन और रेक्टम में ओपन कर जाता है और रेक्टम एनस के द्वारा बाहर ओपन कर जाती है और बाहर हम लोग छींची निकाल देते हैं सारी एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल होती है बेटा इसोफेगस से लेकर रेक्टम तक उसमें चार लेयर पाई जाती है बाहर से चलेगा सिरोसा मस्कुलरिस सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा यानी कोड हो जाएगा क्या एस एम एस एम ठीक है सिरोसा मस्कुलरिस सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा सिरोसा जो होती बेटा ये आउटर मोस्ट लेयर होती जो बनी होती थिन मीजोथीलियम के द्वारा इसे कहते हैं एपिथीलियम ऑफ द विसरल ऑर्गन साथ ही कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी यहाँ पर होते हैं मस्कुलरिस स्मूथ मसल से बनी होती जहाँ पर आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है और इनर सर्कुलर मसल होती हैं और स्टमक में ऑब्लिक मसल लेयर भी पाई जाती हैं सब म्यूकोसा की बात करें तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है जिसमें नर्व ब्लड और लिम्फ वेसल पाई जाते हैं ठीक ड्यूडिनम रीजन में ड्यूडिनम रीजन में सब म्यूकोसा के अंदर ग्लैंड भी पाई जाती है जिन्हें ब्रूनर ग्लैंड का नाम दिया जाता है ठीक इनर मोस्ट जो लेयर होती है उसे हम म्यूकोसा के नाम से जानते हैं और ये एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग भी बनाती है है ना इस म्यूकोसा में कुछ इरेगुलर फोल्ड जिन्हें रूगी कहा जाता है ये स्टमक में पाए जाते है -like जिन्हें विलाई कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन तो रूगी नाम के जो स्ट्रक्चर होते हैं रूगी नाम के जो स्ट्रक्चर होते हैं ये स्टमक के अंदर इरेगुलर होते हैं और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं जिन्हें विलाई कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो सिरोसा मस्कुलरिस सब्यूकोसा और म्यूकोसा ये ल्यूमेन है ल्यूमेन वही जगह जहां पर खाना पचता है यहीं पर खाना पचता है डाइजेस्ट होता है ल्यूमेन के अंदर ये यह पर आपको विलाई 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 दिखाई गई है ना के ऊपर माइक्रो पाई जाती हैं जो ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देती हैं और इन मॉडिफिकेशन की वजह से सरफेस एरिया काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है ठीक है विलाई के अंदर कैपिलरी का नेटवर्क होता है और लार्ज लिम फसल पाई जाती है इसे लैक्टियल का नाम दिया जाता है म्यूकोसा के अंदर गॉबलेट सेल पाई जाती है जो म्यूकस को सिक्रिएट करती है और म्यूकस लुब्रिकेट करने में मदद करता है ठीक है म्यूकोसा फॉर्म ग्लैंड इन द स्टमक जिन्हें गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं एंड क्रिप्ट इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाई जिन्हें क्रिप्ट ऑफ लिवर कोहन कहा जाता है तो देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक ग्लैंड इसके अलावा गॉबलेट ग्लैंड हो गई क्रिप्ट ऑफ लिवर कुहन हो गई जिन्हें इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं तीनों ग्लैंड म्यूकोसा में पाई जाती हैं बस ब्रूनर ग्लैंड सब म्यूकोसा के अंदर पाए जाते हैं जो यहाँ पर चारों लेयर आपको दिखाई गई हैं इनमें मोडिफिकेशन भी पाए जाते हैं चारों लेयर में अलग अलग जगहों पर मोडिफिकेशन भी पाए जाते हैं तो जैसे हमने देखा कि एलिमेंट्री कैनाल हमारी एलिमेंट्री कैनाल के हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड तो एलिमेंट्री कैनाल हमने पढ़ लिया अब डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड में स्लाइवरी ग्लैंड आ जाएगा लीवर और पैनक्रियाच आ जाएगा हम्म देखो जो सिलाईवरी ग्लैंड होती है बेटा उनसे स्लाइवा प्रोड्यूस होता है और स्लाइवरी ग्लैंड तीन पेयर होती है एक होती पैरोटिड एक होती है सब और सब मैंडिबुलर और एक होती है सब लिंग चीक रीजन में होती हैं सब मैग्जेलियो और सब मैंडिबुलर लोअर जो और सब लिंगुअल टंग के नीचे पाए जाते हैं क्लियर बर्थ अब ये जो ग्लैंड होते हैं बेटा ये सारी ग्लैंड बक्कल कैविटी के बाहर सिचुएटेड होती लेकिन स्लाइवरी जूस यानी को बक्कल कैविटी के अंदर करती कैसे डक्ट के द्वारा लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी की जिसका वेट 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है ठीक है एबडोमिनल कैविटी में डायफ्राम के जस्ट नीचे होता है और इसमें दो लोब पाई जाती है लोबुलचरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर जिसमें हिपैटिक सेल होती है जो कॉर्ड के फॉर्म में अरेंज होती है अब जो हर लोब्यूल होता है वो थिन कनेक्टिव टिश्यूज से कवर होता है जिसे ग्लीजन कैप्सूल का नाम दिया जाता है बाइल सिक्रीटेड बाई द हिपैटिक सेल पास थ्रू द हिपैटिक डोर्ड एंड कंसनट्रेटेड इन थिन मस्कुलर से कॉल द गॉल ब्लैडर तो ये बात ध्यान रखिएगा लीवर के डक को हिपैटिक कहते हैं ब्लैडर के डक सिस्टिक कहते हैं। डक ऑफ गॉल ब्लैडर सिस्टिक डक्ट एलोंग विद हिपैटिक फ्रॉम द लीवर फ्रॉम द कॉमन बाइल डक्ट ये देखो यहाँ पर डक्ट सिस्टम आपको दिखाएगा डक्ट सिस्टम तो देखो डक्ट फ्रॉम द लीवर हिपैटिक ड्रॉम ग्वाल सिस्टिक डक्ट दोनों ने मिलकर क्या बना लिया कॉमन हिपैटिक ये बहुत ध्यान से सुनिएगा ठीक है एक मिनट एक मिनट लीवर से निकलने वाली डक्ट ने मिलकर क्या बनाया कॉमन हिपैटिक डर से मिलने वाली डक्ट अब कॉमन हिपैटिक डक्ट और ये जो डक्ट फ्रॉम ग्वालबेडर लिखा है इसका मतलब है सिस्टिक डक्ट

इन ये प्रेजेंट होता बिटवीन दोनों लिम्स के बीच में सिचुएटेड होता है जो एक्जोक्राइन पार्ट होता है ये एल्केलाइन पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रियट करता है जिसमें एंजाइम होते हैं और एंडोक्राइन पार्ट सिक्रियट करता है हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकेगन अब बात करते हैं फूड के डाइजेशन के बारे में द फूड का डाइजेशन का सिस्टम मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस मैकेनिकल जैसे मैस्टिकेशन हो गया केमिकल मतलब एंजाइम का एक्शन हो गया बक्कल कैविटी दो मेन काम करती है एक तो खाने को मैस्टिकेट करना चबाना और साथ ही खाने को निगलने के लिए आसान बनाना दित और टंग की मदद से है ना दित और टंग सलाइवा की मदद से खाने को मैस्टिकेट करते हैं और सलाइवा को मिक्स भी कर देते हैं खाने के साथ में जो म्यूकस होता है सलाइवा में वो खाने को लुब्रिकेट करता है और साथ ही फूड पार्टिकल को आपस में चिपका देता है जिससे बोलस बन जाता है खाने की जो लुगदी हमारे बक्कल कैविटी में बनती है उसे बोलस कहते हैं फिर बोलस को हम फेरिंग्स में भेजते हैं और फेरिंग से इसोफेगस में भेजते हैं इस घटना को हम स्वेलोविंग या डिग्लूटिशन कहते हैं ठीक है बोलस का फेरिंग्स से इसोफेगस में और बोलस का बक्कल कैविटी से फेरिंग्स में और फेरिंग से इसोफेगस में जाना क्या कहलाता है डिग्लूटिशन कहलाता है फिर इसोफेगस में जो बोलस आया ये द्वारा नीचे और जाता है में. स्फिंक्टर से होते हुए जो के अंदर एंटर कर जाता है अब बक्कल कैविटी में डाइजेशन कैसे होगा जो स्लाइवा है उसके अंदर स्लाइवा के अंदर इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटेशियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट होते हैं और इसके अलावा एंजाइम होते हैं स्लाइवरी एमाइलेज और लाइसोजाइम जो केमिकल प्रोसेस डाइजेशन का है ये बक्कल कैविटी में शुरुआत होता है किसके द्वारा स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम के द्वारा करीब 30 परसेंट स्टार्ट जो हमारे खाने में होता है उसको स्लाइवरी एमाइलेज डाइजेस्ट कर देता 6.8 पीएच पर किसमें चेंज कर देता माल्टोज में स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड है माल्टोज एक डाइसेक्राइड हो जाएगा ठीक है लाइसोजाइम प्रेजेंट इन सिलाइवा एक्ट एज एंटी एजेंट एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन थर्टी परसेंट स्टार्च अब देखो स्टमक की अगर म्यूकोसा की बात करें तो उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है जिनमें तीन मेजर टाइप के सेल होते हैं म्यूकस नेक सेल जो म्यूकस को सिक्रिएट करती हैं पेप्टिक या चीप सेल जो प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन को सिक्रिएट करते हैं और पेराइटल ऑक्जेंटिक सेल जो एससीएल और इंट्रेंसिक फैक्टर को सिक्रिएट करते हैं जो विटामिन बी ट्वेल्व के ऑब्जॉर्बशन के लिए जरूरी होता है ठीक है स्टमक फूड को चार से 5 घंटे तक स्टोर करने का काम करता है ठीक है स्टमक के अंदर जब खाना आता है बेटा तो खाने के साथ जब एस्टिक गैस्ट्रिक जूस मिक्स होता है तो उसे काइम का नाम दिया जाता है ठीक है प्रो एंजाइम जो पेप्सिनोजन है ये एस के संपर्क में जब आता है तो ये एक्टिव एंजाइम पेप्सिन में चेंज हो जाता है और पेप्सिन प्रोटीओलिटिक एंजाइम स्टमक का है ठीक है पेप्सिन क्या करता है ये प्रोटीन को पेप्टोन और प्रोटीज में चेंज कर देता है ना ये देखो जो पेप्सिन होता है इसकी इक्वेशन कहीं दी गई होगी पेप्सिन जो जो है है ये प्रोटीन को पेप्टोन और में चेंज कर देता है। जो और कार्बोनेट आयन पाए जाते हैं गैस्ट्रिक जूस में ये लुब्रिकेशन करने का काम करते हैं और म्यूकोसल एपिथीलियम को एस से प्रोटेक्ट करने का काम भी करते हैं एस की बात करें तो एस सी एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है वन पेप्सिन के लिए ऑप्टिमम होता है और पेप्सिन के लिए वन पॉइंट एट होता है इसके अलावा रेनिन भी एक प्रोटीलिटिक एंजाइम है जो कि इन्फेंट के गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है इन्फेंट किसे कहते हैं जल्दी से बताओ इन्फेंट किसे कहते हैं और ये मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है मिल्क प्रोटीन केसिन स्मॉल अमाउंट में लाइपेजेस भी गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रिएट किए जाते हैं ठीक है अब देखिए

चाइल्ड कहते हैं ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है ठीक है? जो कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से निकलता है और ट्रिप्सिन में बदल जाता है ठीक है और ट्रिप्सिन बाकी दूसरे एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करता है बाइल की अगर हम बात करें तो बेटा बाइल के अंदर क्या होता है बाइल के अंदर बाइल पिगमेंट बिलिरोबिन और बिलिविन होते हैं बाइल सॉल्ट होते हैं कोलेस्ट्रॉल और फॉस्पोलिपिड होता है लेकिन कोई एंजाइम नहीं होता बाइल में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है ठीक है बाइल का काम क्या है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट यानी यह फैट को छोटी छोटी मिसल में कन्वर्ट करता है और बाइल लाइपेजेस को एक्टिवेट भी करता है ठीक है अब देखिए इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में गॉबलेट सेल पाई जाती है जो म्यूकस को सिक्रिएट करती है ठीक है इसके अलावा जो ब्रश बॉर्डर सेल होती है म्यूकोसा विलाई में जो आपने पढ़ाता है ना तो ब्रश बॉर्डर जो सेल होती है

फैट के ऊपर फैट के ऊपर लाइपेज एक्ट करता है उसे डाइग्लिसराइड में और मोनोग्लिसराइड में चेंज करता है न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में और फिर न्यूक्लियोसाइड में चेंज कर देता है ठीक है अब इनके ऊपर इंटेस्टाइनल जूस के एंजाइम एक्ट करेंगे डाइपेप्टाइड को डाइपेप्टाइड एस, अमीनो एसिड में चेंज होगा सिंपल फॉर्म बन गई माल्टोज को माल्टेज एंजाइम ने ग्लूकोज में चेंज कर दिया लैक्टेज को लैक्टोज लैक्टेज ने लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चेंज कर दिया सुक्रेज ने सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर दिया इसी तरह अगर न्यूक्लियोटाइडेज की बात करते हैं तो न्यूक्लियोटाइडेज ने न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड में और न्यूक्लियोसाइडेज ने उसे शुगर और पेस में कन्वर्ट कर दिया लाइपेज ने डाई और मोनोग्लेसराइड को फैटी एसिड और ग्लेस्ट्रॉल में चेंज कर दिया यानी आप देखिए जो फूड हो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो चुका है अब जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब सब्सटेंसेज हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चले जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में कोई सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं पाई जाती ठीक है लार्ज इंटेस्टाइन के दो मेन काम है एब्जॉर्न ऑफ वाटर मिनरल और ड्रग और इसके अलावा म्यूकस को सिक्रिएट करना ताकि वेस्ट पार्टिकल आपस में चिपक जाए और ये आसानी से बाहर निकल जाए अनस्टेड अनएब्जॉर्ब कॉल्ड फिस एंटर टू दिकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू इलियोसिकल वॉल्व और इलियोसिकल का, का काम प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द फीकल मैटर फीकल मैटर के बैकफ्लो को प्रिवेंट करने का काम करती है स्टमक का पीएच बेटा 1.8 होगा ठीक 1.8 पीएच ऑप्टिमम होता है पेप्सिन के काम करने के लिए ठीक है रेक्टम में फिशिस को टेम्पोरली स्टोर किया जाता है डिफिकेशन यानी इसके रिमूवल तक इसको स्टोर किया जाता है ठीक अब यहां पर क्या ध्यान रखना है बेटा एक तो आपको याद रखना है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कार्बोहाइड्रेट के लिए 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम प्रोटीन के लिए 5.65 और फैट के लिए 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम होता है जबकि फिजियोलॉजिक वैल्यू की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के लिए 4 प्रोटीन के लिए 4 कार्बोहाइड्रेट के लिए 4 प्रोटीन के लिए 4 और फैट के लिए होती है 9 किलो कैलोरी पर ग्राम तो ये वैल्यूज आप ध्यान रखेंगे अबजॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो अबजॉर्प्शन पैसिव हो, हो, हो सकता है एक्टिव हो सकता है फैसिलिटेटेड हो सकता है ग्लूकोज अमीनो एसिड और अगर क्लोराइड आयन की बात करें तो इनका सिंपल डिफ्यूजन से हो जाएगा ठीक है फैसिलिटेटेड कहाँ पर होगा फैसिलिटेटेड की अगर हम बात करते हैं फैसिलिटेटेड के, के बारे में अगर बात करें तो फैसिलिटेटेड में क्या हो जाएगा ग्लूकोज अमीनो एसिड ठीक ग्लूकोज और अमीनो एसिड का फैसिलिटेटेड होगा वैसे एनसीआरटी में पहले फ्रक्टोज भी दिया गया था और इसका सवाल भी आपको मिलता है इसलिए फ्रक्टोज भी याद रखिएगा एक्टिव की अगर हम बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहां पर होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड मोनोसाइक्राइड लाइक ग्लूकोज ठीक है और सोडियम आयन इनका एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है क्लोराइड एन का देखो पैसिव होता है और जो सोडियम आयन होता है इसका एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है अब देखो जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होते हैं ये इनसॉलेबल होते हैं वाटर में इसलिए डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होते तो पहले इनको हम स्मॉल ड्रॉपलेट जिन्हें मिसल कहते हैं उनमें कन्वर्ट करते हैं और ये जो मिसल होते हैं ये बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं काइलोमाइक्रॉन में जो कि प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल होते हैं अंदर फैट होती बाहर क्या होती इनके ऊपर प्रोटीन की कोटिंग कर दी जाती है और फिर ये काइलोमाइक्रॉन लेक्टियल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं ठीक है और लैक्टियल से अल्टीमेटली इन्हें ब्लड के अंदर ही भेज दिया जाएगा अब एब्जॉर्प्शन देखिए माउथ की बात करें या बक्कल कैविटी तो उसमें कुछ ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है स्टमक में वाटर का सिंपल सुगर का और एल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन प्रिंसिपल ऑर्गन एब्जॉर्प्शन की ठीक है यहां पर डाइजेशन कंप्लीट होता है और देखो ग्लूकोज फ्रेक्टोज फैटी एसिड ग्लेस्ट्रोल अमिनो एसिड ये यह सब यहां पर एब्सॉर्ब होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर

जो इजेशन, जो इजेशन होता है जो इजेशन होता है फिशिस का एनल ओपनिंग के थ्रू इसे हम कहते हैं डेफिकेशन ठीक इजेशन को ही हम क्या कहते हैं डेफिकेशन के नाम से जानते हैं और ये एक वॉलंट्री प्रोसेस है जो मास पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट के द्वारा होता है आप बात करते हैं डिसऑर्डर के बारे में इंफ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सबसे कॉमन एलिमेंट सबसे कॉमन समस्या है डाइजेस्टिव सिस्टम की जो बैक्टीरिया और वायरस की वजह से होती है ठीक है और कुछ इन्फेक्शन भी हैं जो टेप वर्म राउंड वर्म थ्रेड वर्म हुक वर्म या पिनवर्म कॉज करता है पिनवर्म को ही चुनना कहा जाता है ज्वाइंटिस की बात करें लीवर अफेक्ट होता है स्किन और आई येलो हो जाती है क्योंकि बाइल पिगमेंट का डिपोजिशन होता है ओमिटिंग की बात करें तो ओमिटिंग का मतलब होता है इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ और ए, ये एक रिफ्लेक्स सेक्शन है जो ओमिट सेंटर से कंट्रोल होता है ओमेट सेंटर मेडुला में पाया जाता है और ओमिटिंग के पहले जो फीलिंग आती है उसे नोजिया कहते हैं जी में चलाना डायरिया की बात करें तो एबनॉर्मल फ्रिक्वेंसी ऑफ बॉलमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज नोन एज इस, डायरिया इससे फूड का जो एब्जॉर्बन होता है वो रिड्यूस हो जाता है कॉन्स्टिपेशन कब्ज कोलन ये एनसीआर में चेंज किया गया पहले यहाँ रेक्टम लिखा था तो कॉन्स्टिपेशन में कोलन के अंदर रिटेन रहती क्योंकि जो मूवमेंट है वो इरेगुलर यहाँ पर एबनॉर्मल बाउल मूवमेंट होता है यहाँ इरेगुलर होता है इस लैंग्वेज को ध्यान रखेगा इनडाइजेशन की बात करें फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड कारण क्या है सोफिया इसका कारण है इसका कारण कौन है इनडाइजेशन का सोफिया सोफिया का मतलब स्पाइसी फूड ओवर ईटिंग फूड पॉइजनिंग है ना इनएडिकुएट एंजाइम सिक्रेशन और इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा एनजाइटी ये पांच रीजन आपको जो लिख के दिए गए वो मैंने आपको बता दिए प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में दो चीजें आपको जाननी है एक मेरेमस और क्वास्योरकर ठीक है मेरेसमस क्या करता है इन्फेंट को इन्फेंट के ऊपर असर डालता है और जो कॉस्योरकर होता है चिल्ड्रेन है ना चिल्ड्रेन देखो मेरेसमस में क्या होता है प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी होती है एक साल से कम उम्र के बच्चों को होता है लेकिन अगर हम कॉस्योरकर की बात करें तो केवल प्रोटीन डिफिशेंसी से होता है यहाँ पर कैलोरी की कमी नहीं होती है और ये उन बच्चों में होता है जिनकी उम्र एक साल से ज्यादा होती है तो कॉस्योरकर चाइल्ड को होता है और जो मेरेसमस होता है ये किसको होता है इन्फेंट को होता है कितना टाइम लगा बच्चों करीब छब्बीस मिनट लगा ना हाँ पच्चीस छब्बीस मिनट लगा एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है चलो लड्डू बांटो बेटा लड्डू लड्डू बांट तो तुरंत मोहल्ले भर में लड्डू बांटो की एडमिट कार्ड आ गया एडमिट कार्ड आ गया <laughs> ना लायक अबे एडमिट कार्ड आ गया जब साले ये आया ना कि का, आ, मतलब काउंसिलिंग होने के बाद जब कॉलेज का लेटर मिले ना एडमिशन लेटर तब खुशी मनाओ एडमिट कार्ड आ गया एडमिट कार्ड आ गया मतलब सिलेक्शन हो गया लग रहा है आज के लिए इतना ही रखें चार चैप्टर हो गए काफी हो गया तुम लोग कल ह्यूमन फिजियो के छह चैप्टर करा दूंगा साथ में सही कल दोपहर में सोच रहा हूँ कि पांच से करवा दूं पांच से ठीक है तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर बच्चों ठीक है आज के लिए इतना ही रखते हैं बाकी कल करवा दूंगा फिर इसके आगे गंगवार सर की क्लास और चल रही बेटा ह्यूमन वेलफेयर वाली जादू है बेटा देखो सर दो दो जगह क्लासरूम में भी पढ़ा रहे हैं है ना और यहां भी पढ़ा रहे हैं दोनों क्लास लाइव चल रही हैं। बेटा मॉर्निंग में देखो कल से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन में ठीक है कल ऑफलाइन में एक नया बैच शुरुआत हो रहा है सेवन सितंबर को तो मुझे सुबह जाना पड़ेगा नौ बजे से क्लास लेनी इसलिए कल तो मॉर्निंग में नहीं ले पाऊंगा लेकिन ये है कि आगे मैं मॉर्निंग में क्लास आपकी कर दूंगा कल एक क्लास मैनेज कर लो फिर मॉर्निंग में हम लोग क्लास कर लेंगे ठीक है बेटा ठीक <laughs> है ठीक है आई ये कोलन वाला याद रखना है ना फिसीज रिटेन विद इन द कोलन पहले यहां पर रेक्टम लिखा हुआ था ठीक बच्चों तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बाय बाय टेक केयर एंड लव यू बच्चों पढ़ाई करते हैं